छः जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अच्छा, मेरा नाम तो इमरान अशरफ है, ठीक है। बाकी ये कि इकरा यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में तकरीबन ये 11वां साल है वहाँ पढ़ा रहा हूँ। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस भी है और इस्लामिक स्टडीज़ भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी है। बाकी पढ़ाने के सब्जेक्ट्स तो हमारे माशाल्लाह से 22 हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स अक्सर इकरा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। जैसे उसके अंदर अरबिक भी है, फारसी भी है, पर्शियन जो होती है, बाकी सारे रिलीजियस सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। मेरी जो एजुकेशन है वो डबल मास्टर्स है, ठीक है, अरबिक के अंदर और इस्लामिक स्टडीज़ में। उससे आगे जो स्पेशलाइजेशन होती है जिसको आप पीएचडी कहते हैं, तो वो कुरानिक लॉस के अंदर है, फिकह में है और इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी है, अरबिक में भी है। बहरहाल ये तो हमने अपने शौक़ से इल्म हासिल करा, तालीम हासिल करी। बाकी बचपन में मैंने हेज़ भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद दरस निज़ामी का भी कोर्स किया है। दरस निज़ामी का कोर्स ये होता है जिसको आप आलिम फाजिल कहते हैं। उसके बाद हमारी ही रिलीजियस लाइन के अंदर तखस्सुस होता है जिसको मुफ्ती कहते हैं आप लोग, वो फ़िक़ा के अंदर है, ठीक है ना। फ़िक़ा वो होता है जो इस्लामी शरी मसाइल होते हैं। असल में फ़िक़ा ही से सारा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो निकाला गया है। जिसकी बेस है ना, बुनियाद है, वो इस्लाम है। क्योंकि जितने भी बैंकारी का निज़ाम था वो कन्वेंशनल चल रहा था पूरी दुनिया में, खुसूसन फिर पाकिस्तान के अंदर भी वो आया। तो वो कन्वेंशनल बैंकिंग का जो सिस्टम है इसको हमने इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया ना। तो अब जब वो इस्लामिक है तो वो निकल के जो आए ना, जो उसकी बेस थी वो इस्लामिक फिका थी, ये बात याद रखें हमेशा। खैर ये हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, हमें समझ आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से जो है ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकम्मल डीपली जो उसकी बेस है ना, वहाँ से हमने उसको पढ़ा है। जो यूँ समझ लें अरबिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना, वर्ड्स होते हैं, वहाँ से ये इस्लामी शरिया फिर वहाँ से निकलता हुआ आया है। अगर उस बुनियाद को आप समझेंगे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्लामिक बैंकिंग को आप समझ जाएंगे। अगर उन अरबिक वर्ड्स पे फोकस नहीं करेंगे ना तो फिर समझना मुश्किल है। समझ तो फिर भी आप जाएंगे, लेकिन वो बुनियाद से जो एक चीज़ होती है ना, जैसे आप पहले बच्चे को डायरेक्ट तो मैट्रिक में नहीं डालते, पहले वो मैट्रिक से पहले कई क्लासें होती हैं, वो पास करता जाता है फिर आगे बढ़ता है। खैर मेरा तो इन शॉर्ट यही इंट्रोडक्शन है कि नाम इमरान अशरफ है, तखस्सुस की है मुख्तलिफ, पीएचडी वगैरह कर ली है बस, और डबल मास्टर्स भी है, हेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इकरा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हुए 11वां साल है, ठीक है, मेन कैंपस में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं, और नॉर्थ कैंपस में भी हूँ। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले सेमेस्टर से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब ये है कि
आप लोग का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, है ना? जरूरी है, आप लोग का नाम पता चल जाए तो हम मैन्युअली अभी अटेंडेंस ले लेते हैं एक पेपर के ऊपर। आप एक पेपर निकाल लें, उस पे ना नाम लिखें अपना, रोल नंबर लिखें, और एक अपना आप लोग इंट्रोडक्शन भी मुझे दे दें। जैसे चंद चीज़ें ये हमें बता दें कि भाई मेरा नाम ये है, मैं जो हूँ ये वाला कोर्स पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और मेरा ये फला सेमिस्टर है, और मेरी रिहाइश जो है वो बहरिया टाउन में ही फलानी फलानी जगह है या बाहर है। उसके अलावा जो है मेरी और क्या क्या जो है मसरूफियात है ना, ये हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए तो अंदाज़ा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कल चूंकि बारिश तेज़ हुई है तो स्टूडेंट्स कम आए आज ना, मैं खुद भी थोड़ा मुश्किल से ही पहुंचा हूँ। काफ़ी जगहों पे ना पानी वानी इकट्ठा था और तकलीफ तो ये ठंड भी बहुत थी। खैर, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, बता दें। हाँ, थोड़ा सा खड़े होकर बता दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम मायरा है और बीटेक कर रही हूँ आपका सेमेस्टर सेवन बहरिया सेवन सेमेस्टर है। अच्छा, वो बहरिया की रहने वाली है। और इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं आपकी, मतलब कि यानी कि डिग्री हासिल करने के बाद क्या करेंगे आप, शादी? यही होता है ना, कुछ भी नहीं सोचा अभी, बगैर सोचे समझे जा रही है। अच्छा, नहीं सोचना तो चाहिए भाई, एक विजन होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है? अक्सर तालपुर। अच्छा, बस स्टार्ट और एंड। तो आप कहाँ, बैरिया की रहने वाली हैं? अच्छा, तो तालपुर क्या है, ये तो कोई सिंधी कास्ट है। अच्छा, तालपुर इलाके का नाम है वैसे, फिर बस कास्ट है, ये इलाका भी है, आपको पता ही नहीं है। आपका तालपुर कास्ट है और आपको ही नहीं पता, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में ही है। अल्लाह की बंदी, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, बस छोड़ो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ जी, मैं क्यों बताऊं भाई, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम में इतनी बड़ी बात जुड़ी हुई है, तुम्हें खुद नहीं पता उसका। हाँ, मदीहा। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है, माशाल्लाह, बैठ जाए मदिया। तो ये आपका सेमेस्टर कौन सा है? फोर्थ है। आपने क्या करना है आगे, पीछे क्या करके आई हो, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा। तुमने आगे क्या सोचा हुआ है? भाई मैं ये करूंगी जिंदगी में, कोई बड़ा काम करूंगी, मैं जन्नत हासिल करूंगी, ये सबसे बड़ा काम है। मैं अल्लाह को राजी करूंगी, या मैं बंदों को राजी करूंगी, या मैं शादी करूंगी, कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि मैं ये काम करूंगी आगे। होता है ना भाई, हम तो सोच के रखते हैं भाई, लड़के लोग, हमने तो सोचा हुआ होता है कि हम आगे क्या करेंगे। अभी भी हमें लोग बोलते हैं कि अभी और आगे पढ़ लो, तो हम कहते हैं भाई नहीं, हमने सोच लिया, अब हम और आगे नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ाएंगे जरूर इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबे इल्म में स्टूडेंट होते हुए भी पढ़ाते रहे, 20 साल से वैसे तो ज्यादा हो गया। तो आपने क्या सोचा है मदिया, आगे क्या करोगी? कुछ भी नहीं सोचा अभी, यहाँ से निकल के सोचना फिर। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है? आतिका फहीम। आतिका के माने क्या है? शरीफ। चलो, ये सेमेस्टर में हमें पता चल जाएगा कौन शरीफ है और कौन क्या है। खैर, चलो अच्छी बात, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेवेंथ सेमेस्टर, यहीं के रहने वाली हैं। और इसके अलावा कुछ करती हैं? अच्छा, माशाल्लाह, क्या फ्रीलांसिंग करती हैं? माशाल्लाह, ये बड़ा जबरदस्त काम है और होना भी जरूरी है।
मैं आज सुबह पढ़ रहा था, हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उन्होंने ये बात कही थी, आलिम फाजिल थे वो। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने के अंदर ये चंद सदियां पुरानी बात है। वो आलिम यूं समझ लें कि आज से 4 या 5 सदियां पुराने वो आलिम है, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जमाने में इस वक्त लोगों के पास अगर पैसा आ जाए ना तो वो फितना है। पैसा हो उनके पास ना तो दीन से उनके हट जाने का हमें डर लगा रहता है, और ऐसा होता है। उन्होंने अपने जमाने की बात बताई, और उनके बाद एक अल्लाह वाले आए, उन्होंने इन्हीं की बात को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने फिर ये बात कही थी, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि उस वक्त तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम दीन से हट जाने का तुम्हें खौफ होगा। तो उन्होंने ये बात कही, फिर उनके बाद जो 2 सदियों बाद एक आलिम फाजिल आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बात बिल्कुल सही कही थी कि उनके जमाने में, उनके दौर में जो सिनेरियो था ना, उसके हिसाब से अगर किसी इंसान के पास पैसा होता था ना तो वो अपने दीन से, इस्लाम से गुमराह हो सकता था, यानी कि दुनिया के अंदर पड़ जाता। और उन्होंने बात अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट कहा था, बिल्कुल सही था कि अब इस आगे वाले आने वाले दौर के अंदर अगर बंदे की जेब में पैसा नहीं होगा ना तो उसका फिर इस्लाम से फिरना आसान हो जाएगा, और वो हमें हमारे इस जमाने में नजर भी आ रहा है। तो इसीलिए मेरे वाले साहब भी कहा करते थे कि भाई एक काम नहीं, कराची में रहने वाले और बैरिया टाउन में भी रहने वाले, ये 2 काम कम से कम जरूर करें, और बिजनेस करें, नौकरी या जॉब वॉब ये कुछ भी नहीं इनके अंदर रखा हुआ। हमारा जो एक ये होता है ना, विजन होता है कि हम डिग्री पकड़ेंगे और फिर जॉब करेंगे कोई अच्छी सी, ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन में रहने वालों के तो जहन इन स्टूडेंट्स के खुद ही ऐसे हैं कि ये बिजनेस को प्रीफर करते हैं, जॉब को इतना लाइक नहीं करते, बहुत कम कोई करता होगा तो करता होगा। तो ये जो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन, जितना भी सोशल मीडिया पे जितनी अर्निंग है, ये ज्यादातर जो है ना ये बिजनेस ही है, ये कोई जॉब नहीं, इसको समझा करें, ये जॉब नहीं है, ये आप सीख लें और उसके बाद खुद से करें, आप खुद उस काम को शुरू करें, तो ये बड़ा जबरदस्त काम है फ्रीलांसिंग। हमारे तलबा भागते हैं इन चीजों से, दूर हटते, नौजवान नस्ल उसमें सीखते नहीं है, उसको आगे बढ़ते नहीं है। हालांकि इसके अंदर तो बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने इन चीजों में भी बरकत रखी है, ठीक है ना। तो करना चाहिए, एक से ज्यादा काम आपको मल्टीपल आने चाहिए। हाँ जी, लाइबा, लाइबा अब्दुल वाहिद, लाइबा क्या, किसका माना क्या है? हूर का नाम तो है ये, तो हमें पता है, वो तो हम नहीं सोच रहे, लेकिन वो उसका माना क्या है? अच्छा, जन्नत में चलती हुई, जन्नत की होड़, मतलब जन्नत के अंदर की कोई चीज ही है, बाहर की नहीं है। तो आप तो बाहर है, आप तो बेरिया में बैठी हैं। अच्छा, और आगे क्या सेमेस्टर कौन सा है? अच्छा, बेरिया टाउन में। और इसके अलावा क्या करती हैं? आगे मास्टर्स करेंगी। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट में क्या सोचा हुआ है? अच्छा, माशाल्लाह। चलो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें अच्छे अंदाज में। सही कहने दी। क्या नाम है? हुनैन आमिर। अच्छा, है ना, उनके साथ कारोबार में इंशाल्लाह। तो इसीलिए चाह रहे हो कि तुम्हें तमाम लॉस पता चल जाए, इस्लामिक लॉस हैं, और फिर उनको जिंदगी में इस्तेमाल भी करें। हाँ, ताकि हराम चीजों से बचकर जो है
प्योरली जो 100% हलाल चीज है उनकी तरफ जाया जाए। हुनैन की मीनिंग्स क्या है? तो उस जंग के ऊपर आपका नाम रखा गया है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करके गए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हजरत हुसैन पैदा हुए तो उनका नाम हजरत अली ने जंग के नाम पर रखा, हज़्ज़ाब कुछ ऐसे करके नाम था, यानी बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से में लड़ने वाला और ऐसा फलाना सख्त जो जंगों के नाम थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ये तो नाम सही नहीं है, इसका नाम हुसैन है। तो यानी कि वालिद के नाम रखने को आपने गलत करार देके खुद सही अच्छा नाम रखा और जो है खूबसूरती वाला नाम रखा हुसैन। ऐसे ही जब हजरत हसन पैदा हुए तो उनका नाम भी उन्होंने जंग के ऊपर सख्त किस्म का रखा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं हसन नाम है इसका, हुसैन उनका हुसैन हो गया इनका हसन है। तो ये नाम, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बहुत से नाम थे जो गलत थे उनको भी बदला, आपने उनके नाम बदल बदल के जब इस्लाम ले आए तो वो सख्ती वाले नाम रखा करते थे। सहाबा पहले दौर जाहिलियत में जिंदगी गुजार रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर सहाबा के नाम जो है सही करे और अच्छे अच्छे नाम रखे। और हमारे हमने खुद भी अपने तालिब इल्मी के दौर में देखा जब हम स्टूडेंट थे, हमारे असातिज़ा ने भी बहुत से तलबा के नाम चेंज किए, तब्दील करे, उनके नाम सही नहीं थे। नाम का असर आपकी तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो और उसके लिए सोच विचार करो, आपको सोचना चाहिए नाम, खूबसूरत अच्छा सा नाम निकालने चाहिए। खैर हुनैन नाम अच्छा है और इसके बाकायदा अपने माना है, ठीक है कि ये एक जंग हुनैन हुई थी उससे इसको रिलेट नहीं करें, लेकिन हुनैन के माना है इसको स्पेसिफिक माना है, उसको देखिएगा ज़रा, वो पता होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो नाम होता है उसके आपको पूरे मुकम्मल माना पता होने चाहिए, मीनिंग्स आपको ऑथेंटिक बिल्कुल। और वो क्योंकि हमारे नाम आमतौर पे अरबी जबान से रिलेट होते हैं, बहुत कम कोई नाम किसी और जबान का रख ले तो रख ले, और ना आमतौर पे मुसलमानों के नाम अरबिक लैंग्वेज से रिलेट होते हैं, तो उसके लिए आपको अरबिक लुगात जो होती है ना वो भी देखनी आनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी देख लेते हैं ना, इंग्लिश डिक्शनरी देखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप क्या करते हैं कि आपने अगर मिसाल के तौर पर एक वर्ड देखना है एरोप्लेन, तो आप डिक्शनरी में जाएंगे ए से ढूंढेंगे, ए के बाद सेकंड लेटर है ई, तो आप ए के बाद ई को ढूंढेंगे और आपको एरोप्लेन मिल जाएगा। लेकिन अरबिक के अंदर ऐसा नहीं होता, अरबी लुगात के अंदर बिल्कुल सिनेरियो चेंज है, उसमें आपने क्या करना होता है कि हुरूफ़े असलिया ढूंढने पड़ते हैं, यानी कि ओरिजिनल लेटर्स। मिसाल के तौर पर अरबिक का कोई भी वर्ड है ना, उस लफ्ज़ के अंदर आपने असली हुरूफ यानी ओरिजिनल लेटर्स को पहले ढूंढना पड़ता है, वो आपको जब मिल जाएंगे तो उससे आप लुगत में अपने नाम के माने ढूंढ सकते हैं। जैसे हुनैन है ना, इसके ओरिजिनल लेटर्स आप कैसे ढूंढेंगे पता है आपको? ये वर्ड है ना हुनैन, बल्कि ये यहां आना चाहिए, इसके ओरिजिनल वर्ड लेटर्स है ना ढूंढने के लिए, इसको इक्वल लाना पड़ता है आपको असल इन हुरूफ के ऊपर। एक पहला है फा,
दूसरा है ऐन और तीसरा है लाम, यानी कि हुरूफ फेल के ऊपर, इन तीनों को मिला दो तो इसके ऊपर आपको हर वर्ड को इनके ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे हुनैन को मैं देखें फौलैन के ऊपर ले आया, हुनैन फौलैन इक्वल है ना, दोनों लेटर्स इक्वल है ना, उसमें हुनैन में देखें एक दो तीन और चार लेटर है, एक दो और ये तीन और ये चार, फौलैन के अंदर एक दो तीन चार, ये दोनों एक मिल जाएंगे, ये भी याद रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। ली जब आप पढ़ लेना तो ये एक हो गया और ये नून हो गया। तो अब जब उठा के देखेंगे ना, असल में हुनैन के अंदर भी जो है ना गौर किया जाए तो डबल या ही आता है, तो हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं ना तो वो सिंगल हमें एक लेटर लगता है, हालांकि है ये डबल या ही है। तो फौलैन और हुनैन ये इक्वल हो गया। अब मैंने आपको बताया ये तीन होते हैं ओरिजिनल लेटर्स, ये जहां से भी निकलेंगे ना वो ओरिजिनल हो जाएंगे। अब फा के वजन पर देखें क्या आ रहा है, हा आ रहा है, तो हा को आप अलग कर लें। ऐन है ना दूसरा, ऐन के वजन पर क्या आ रहा है, नून आ रहा है, तो नून को अलग कर लें यहां पर। फिर तीसरा लाम है ना, लाम के वजन पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो या को अलग कर लें। नहीं समझे, बहुत आसान करके समझा रहा हूं। तो देखो ये अब बन गया हनियन। अब जब आप अरबी डिक्शनरी में लुगात में इसको, उसको डिक्शनरी को लुगात बोलते हैं अरबी में, जब आप लुगात में ढूंढेंगे तो आप इस वर्ड को ढूंढेंगे हनियन को, हाँ आप ढूंढेंगे हनियन को, आप हुनैन को नहीं ढूंढेंगे, हुनैन को तो सारी जिंदगी ढूंढता रहे नहीं मिलेगा फिर आपको डिक्शनरी में। आप ढूंढेंगे हा की कैटेगरी में जाएंगे, उसके बाद नून, उसके बाद या, तो हनियन के अंदर जब आप जैसे ही पहुंच जाएंगे ना तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा खुद ब खुद। अरबिक में सर्च करना डिक्शनरी लुगात से, उसका पैटर्न अलग है, तरीका अलग है, ऐसे फारसी का अलग है, तो हर जबान का अपना होता है, उर्दू का भी अलग है। तो आप उर्दू दान है लेकिन मैं अगर पूछूंगा तो आप शायद नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपने वो चीज सीखी नहीं, तो सीखना जरूरी है। जैसे मैंने अरबिक का तो ये आपको समझा दिया कि अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, थोड़ा आपको मुश्किल फिर भी होगी लेकिन जब आप अरबिक लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, सीखते हैं, तो आपको फिर तमाम वर्ड्स का निकालना आसान हो जाता है। जैसे ये मैंने खुद निकाल दिया ना, ये चीज असल थी, ये चीज आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको वो सीखने से आता है, समझ रहे हैं। चलो तुम्हारा क्या नाम है, रुबीना, अच्छा उससे क्यों पूछ रही हो, तुमने उसको तो नहीं अपनी वो जिंदगी की किताब दी हुई है, वो नोट करती रहती है कि हाँ तुम क्या किधर हो, तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो वो तो आपके पास खुद होनी चाहिए ना, एक जैसे हैं दोनों, जुड़वाएं, अच्छा एक जैसे तो जुड़वा ही होते हैं। अच्छा भाई रुबीना क्या माने, किसने रखा था नाम, ये भी तो नाम, अच्छा चलो सिक्स सेमिस्टर है, रुबीना अहमद नाम है, अहमद के माने तो पता ही होंगे आपको, बहुत ज्यादा तारीफों वाला, लेकिन रुबीना का माना देखना वो बताना, एक तो फूल का नाम भी है लेकिन और भी, हाँ लेकिन माना भी पता होने चाहिए, एक्चुअल इसके मीनिंग्स भी हैं। अच्छा और आप भेड़िया की रहने वाली है, तो क्या और इसके अलावा क्या करती हैं, अच्छा माशाल्लाह, और आगे क्या करने का इरादा है, मतलब भेड़िया से बाहर जाना है,
मुल्क से बाहर जाना है। अच्छा, तो बाहर क्यों जाना है? पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है। आपको एक अजीब सी बात बताऊं, आप हो बिल्कुल शिफ्ट हो, मेरी बातों पे ज्यादा वो ना करें, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि अभी परसों मुझे एक साहब ने कॉल की और वो कह रहे थे भाई जो है ना इधर रशियन लड़की है, उससे मेरी शादी हुई थी आज से तकरीबन 15 साल पहले। मैं हूँ पाकिस्तानी, लाहौर ही बन रहा हूँ, लाहौर का रहने वाला। तो फिर मैं उसके साथ यहीं सेटल हो गया रशिया में ही, और मेरे उनसे माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं। अब तीनों बच्चे भी तकरीबन 15-16 साल पहले शादी हुई थी, तो 14 साल, 13 साल, 12 साल ऐसे बच्चे हैं। तो अब ये है कि मैं सेकंड मैरिज करनी है, वो मुझसे इसलिए उन्होंने रब्ता किया था कि मेरी दूसरी शादी करवा दें, पाकिस्तानी हो लाहौर की हो तो अच्छी है, मैं वहीं लाहौर ही वापस आऊँगा। क्योंकि हजरत मेरी तौबा, वो खुद बोल रहा था ये, इधर लोग नहीं रह सकते, ये तो बच्चा भी यहीं के हो गए क्योंकि वहीं पैदा हुए हैं और वहीं का माहौल मिला है, तो मैं बच्चों को भी यहीं पे छोड़ के ही जाऊंगा, इस बीवी को भी यहीं छोड़ के और बच्चों को भी। लेकिन अब मैं मजीद नहीं रह सकता, मुझे इसलिए जो है ना दूसरी शादी आप करवाएं और मैं इधर पाकिस्तान में आऊंगा, लाहौर में रहूंगा, जो मेरा अपना घर है ना, मैंने किराए विराए पे दिया हुआ है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां से तजुर्बा करके इधर आने के लिए फिर परेशान हो जाते हैं, ये तो इंसान की फितरत है, ये सिर्फ आपका केस नहीं मैं कह रहा, मैं हर एक की बात बता रहा हूं कि इंसान जिधर भी होगा ये खुश नहीं रहेगा, इसके लिए खुश रहना बहुत मुश्किल है। और ये कहीं भी होकर रहकर खुश भी रह सकता है, वो बहुत आसान फॉर्मूला है। सिर्फ जन्नत में पहुंचकर जो है ना इसका एंड होना है, या जहन्नम में पहुंचकर, दोनों में से एक जगह। तो बहरहाल जो पाकिस्तान है ना, ये तो आप चली जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप जाएं और अच्छा अल्लाह पाक हम इससे भी बहुत अच्छा आपको वहां रखे, लेकिन लोगों का जो हमने एक्सपीरियंस देखा है ना वो बिल्कुल उलट है। लोग वहां जाकर और एक्सपीरियंस करके परेशान होकर फिर वापस आते हैं, होना भी चाहिए है, बस ये बाहर जाएंगी पाकिस्तान से। हाँ कहीं भी चली जाएं, चाहे इंडिया चली जाएं या बांग्लादेश चली जाएं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बाहर ही है। अपना प्लान है मतलब अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके में, वहां के लोग और तपे हुए बेचारे, वो और सताए हुए और ज्यादा। हाँ हमारे एक हमारे मौलाना हकीम अख्तर साहब है उन्होंने, वो तो ऐसे बहुत से केस उनके पास आते हैं ना, दुनिया भर से लोग बहते हैं, खवातीन भी बहत होती हैं उनसे, तो ऑनलाइन हो जाते हैं, कोई वो नहीं, पर्दा करते हैं, बुलाते नहीं है, वहीं खतो किताबत या उस ईमेल के जरिए बातचीत होती है, फोन पर टेलीफोनिक हो जाती है। तो बताने लगे कि मेरा एक मुरीद था, वो बहुत परेशान हो गया, बीवी बच्चे वहीं अमरीका में, और बच्चों को अगर तंबी करनी है, कुछ समझाना है, कोई गलत हरकत कर रहे हैं बच्चे, जाहिर है नौ उम्र बच्चे जो जवान होते हैं उनको अकल थोड़ी होती है, वो तो अपनी बस जवानी के अंदर कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जब वो वालिद उनको समझाए, रोके, जरा सा डांट डपट करे तो वो पुलिस को बुला ले, पुलिस इनको पकड़ के ले जाए, दो चार लगाए, बच्चों के सामने मारती भी ले जाए, तो वालिद की बाप की क्या इज्जत रह गई थी, वो तो बच्चे ही वहीं पैदाइश हुई, वहीं परवरिश। अब उसने कहा हजरत बहुत परेशान हो गया हूं मैं, जिंदगी अजीरन हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे जान छुड़ाऊं इस चीज से। तो हजरत ने बोला भाई आप जो है ना सीधा रास्ता ये है कि आप इनको लेकर किसी भी तरह पाकिस्तान आए, कोई भी रास्ता आप अपनाएं, और यही इनकी इसी के अंदर भलाई है। उन्होंने फिर मजबूरन जो है ना एक झूठा प्लान बनाया, उनकी बहन यहाँ थी तो उनको भी समझाया कि भाई इसी तरह मैं फिर बच्चों को बताता हूँ, आप भी एग्री करना कि भाई मैं इनको घुमाने फिराने लेकर आ रहा हूँ, पाकिस्तान पूरा घुमाऊंगा फिराऊंगा, शादी हो रही है इधर,
दावतें खाएंगे, ये वो फलाना, वरना तो बच्चे कभी भी नहीं आते। तो उसने अपनी वाइफ को बच्चों को पूरा प्लान समझाया कि भाई हम एक महीने के लिए पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं घूमने फिरने, और शादी भी है वहाँ फला फला की, तो वो भी मज़े करेंगे, खूब मौजें मस्तियाँ मारेंगे। उससे उन्होंने पहले बच्चों के साथ भी मिलजुल के ना गलत काम करने शुरू करे, ताकि बच्चे उनकी बात पे अतमाद भी करें ना, बच्चे इतने आसानी से वहाँ के मानते भी नहीं है। यानी बच्चे डिस्को जा रहे हैं तो वो भी गए साथ, मजबूरन गए, हालांकि वो बहुत नेक आदमी थे। और जब बच्चों को एतमाद हो गया, बीवी को भी, कि हाँ ये तो हमारे रंग में, माशाल्लाह रंग ये है ये हमारा वालिद ही एक था जो हमें बुराई से रोकने की कोशिश करता था, वो भी हमारे साथ सारे काम कर रहा है, बस ठीक है, ये भी हम जैसे हो गया। उसने बोला भाई और मस्तियां करने पाकिस्तान चलते हैं, वो एग्री हो गए बच्चे, बीवी भी मान गई। बस उन्होंने सारे इनके लिए पासपोर्ट वगैरह सब पाकिस्तान के लगवाए, वीजे वीजे, जैसे ही बताते हैं इधर कराची पे ही आए थे वो ना, ये इंटरनेट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जब वो बंदा उतर आया और उसने जूता उतार के जो अपने बच्चों को वहीं पे फेंटी लगाई है, सारे स्टाफ ने देखा है और खुश हो गया वो। अब तो वापस जा ही नहीं सकते थे, जला दिया उसने पासपोर्ट, उनके ग्रीन टिकट, सब चीजें, सब आग लगा दी वहीं। और उनको कान से पकड़ के जब वो इधर लेकर आए गुलिस्तानी जोर में, उसका अपना घर वर तक, और अब वो बच्चे इंसान के बच्चे हैं, पहले वो इंसान के बच्चे नहीं थे। वहां जो माहौल है ना, वो अच्छे से अच्छे इंसान को ही मजबूर कर देता है। हम तो कहते हैं ना मुसलमान चोर है, मुसलमान चोर थोड़ी है, ये कोई चोर होता है। मौलाना हकीम मोहतर साहब बताया करते थे छोटी छोटी चोरियों पे हम मुसलमान के ऊपर बेचारे पे उंगलियां उठा लेते हैं। हमसे बड़ा चोर तो अंग्रेज है, जिसकी तारीफ हो के हम पुल बांध रहे होते हैं ना, बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं वहां पे, जी आप देखें कितना अच्छा निजाम है और लोग कितने ईमानदार हैं, कोई ईमानदार नहीं, ये आपको किसी ने झूठ बताया। तो हजरत खुद बताते थे, मेरे पास आए दिन इस तरह के वाक्यात वहां के लोग बताते रहते हैं, और वो ऐसे ऐसे केस सुनाते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि मुसलमान तो ये चीज सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तो बाकायदा चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी भी होती हैं, जब वहां पर लाइट चली जाए वो मॉलों के अंदर रिवर्स करके लेके जाते हैं गाड़ी, मारते हैं वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा चुराते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। वो छोटी चोरी नहीं करते कि ये अखबार रखा और अब एक डॉलर है दो डॉलर है तो वो नहीं रखेंगे डालेंगे, पेट्रोल डाला तो उसके पैसे नहीं डालेंगे, वो तो छोटी छोटी चीजें, वो तो वो करेंगे, मशीनें चल रही हैं, कैमरे देख रहे हैं। लेकिन जिधर वो निजाम बंद हुआ ना, फिर उनकी आप चोरी देखें। हजरत बतलाते थे कि भाई बहुत खतरनाक हालात हैं। खुद हमारे भी एक अजीज वो खातून ने बताया था कि पता नहीं 7 बज जाते हैं या 6 बज जाते हैं, उसके बाद हम अपना दरवाजा नहीं खोल सकते, काले वो बिल्कुल नशे में, और उनके पास गन होती हैं और उनके पास चाकू होते हैं, कोई निकले तो वो फौरन नुकसान पहुंचाते, तो तरह तरह की चीजें। माहौल ये ना आप समझें कि वहां पे बहुत अच्छा है और बड़े ईमानदार दुनिया के लोग वहां रहते हैं, ऐसा नहीं। खैर अल्लाह ताला ने जिसका जहां लिखा हुआ होता है वो बंदा वहीं पे ही अपना वक्त गुजारता है। और पाकिस्तान से अच्छा माहौल तो हम नहीं समझते ये कहीं पर होगा, बाकी ये कि आपके अपने ऊपर भी होता है बहुत कुछ। चलो जी, अलीना हसन, अच्छा अच्छा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ेंगे आप, अच्छा माशाल्लाह। तो ड्राइंग में जो है जानदारों की तस्वीर तो नहीं बनाती, गैर जानदारों की, हाँ वो तो सही है, जायज है, हलाल है। बाकी ऐसी चीज जिसकी आंखें हो ना, आंखें नहीं बनाए भले आप बाकी कुछ बना दे सब, लेकिन आंख नहीं बनानी चाहिए कम से कम, वो खतरनाक है। फिर उसमें आखिरत में कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर अब जान डालो। ये बात तो इनकी सही है बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया से डिग्री हासिल करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये फैक्ट है पाकिस्तान की जो इस्लामी तालीमात है ना, रिलीजियस एजुकेशन, इसकी जो डिग्री होल्डर है ना उसकी बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर। हत्ता के सऊदी अरब के अंदर भी आप चले जाएं, वहां पर मैंने खुद भी देखा
कि अक्सर मसाजिद के अंदर आप इमाम से मिलें जाकर तो पूछें, वो आपसे बहुत अच्छी उर्दू बोलेगा और वो बताएगा मैं पाकिस्तान से हूं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से आलिम फाजिल जिसने डिग्री हासिल की है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत अपनी मदीना यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए सऊदी बंदे के। अगर वहां से भी उसने डिग्री ली है ना तो उसके मुकाबले वो कहते हैं नहीं, वो जो कराची बिनोरी टाउन से जो जिसने पढ़ा है ना वो सबसे बेहतरीन होगा, उसका इल्म पुख्ता है। और मैंने खुद देखा कि बिनोरी टाउन ये कराची के अंदर गुरु मंदिर पे हमें तो पता ही नहीं है लेकिन वहां तक लोगों को पता है। सऊदी अरब के अंदर जो इमाम लगे हुए मस्जिदों में वो कराची के मदरसे बिनोरी टाउन से पढ़े हैं। 80% वहां के मसाजिद के इमाम कराची के इस मदरसे के पढ़े हुए हैं जो इमामत कर रहे हैं। और उसके बाद तकरीबन 17-18% दारुल उलूम कुरंगी वाले वहां के पढ़े। तो पाकिस्तान की जो डिग्री है ना ये हिंदुस्तान में भी मानी जाती है, पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर। इसीलिए मेरे खुद साथ जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अमेरिकन नेशनल थे वो पढ़ लेते, अमेरिका से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे लड़के, जोड़े थे मियां बीवी खातून, वो बनात मदरसे में पढ़ लिए ये बिनोरी टाउन और उनका जो हस्बैंड है वो हमारे साथ पढ़ लिया। सऊदी नेशनल लड़के हमारे साथ पढ़ ले होते थे, इंडोनेशियन चाइनीज और हर मुल्क के लोग जो है ना पढ़ने आते थे। जो मुशर्रफ साहब ने मेहरबानी करी थी मार मार के निकाला था सबको, आपको याद होगा। और अब तक ये चल रहा है कि भाई नहीं क्यों आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, भाई नाम है तो पढ़ने आ रहे हैं ना, कोई पढ़ने नहीं आ रहा है इधर कोई अमेरिकन नेशनल बैठा हुआ क्लास के अंदर, किसी एक क्लास में दिखा दो। 20,000 से ऊपर तलाबा स्टूडेंट्स हैं, 20,000 से ज्यादा है, 5-6,000 तो हमें ऐसे ही नजर आ रहे होते हैं चलते फिरते ही ऊपर नीचे जो 11-12 फ्लोर हैं, एक भी उनमें हमें नजर नहीं आता। वो आप छोड़ें बाहर वालों को छोड़ें, अपने पाकिस्तान के सिर्फ इंटीरियर सिंध या इधर उधर के दिखा दें नहीं आते। लेकिन मदरसे में आप अभी भी चले जाएं, बिनोरी टाउन में आप चले जाएं, आपको वहां पे चाइनीज भी मिलेंगे, इंडोनेशियन, अफ्रीकन, सऊदी अरेबियन, सारे आपको दुनिया के और पाकिस्तान के भी जितने भी ये हमारे इलाके हैं ना वो हर जगह हर गांव देहात का आपको तालिबे इल्म वहां मिल जाएगा। उसकी वजह क्या, ये चीजें खुद इंसान को बताती हैं बहुत कुछ, इंसान खुद नहीं समझना चाहे वो अलग मसला है। ये चीजें बताती है भाई तालीम का मयार जो है ना वो जबरदस्त है, वो सिखाया जाता है इधर, ऐसे टरखाया नहीं जाता। क्योंकि हमारे इस निजाम के अंदर तो असल हमारा फोकस क्या है, बस डिग्री है। डिग्री आपको मैं यकीन से ये बात कह रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स हमारे इधर ऐसा जहन साजी हो चुकी है, सबकी नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे भी होंगे कि उनको अगर अभी डिग्री पकड़ा दे ना यार ये इतने पैसे दो ये लो डिग्री, वो लेके निकल लेंगे कहेंगे हाँ भाई ये अगर पूरा सेमेस्टर पढ़ के जो है ना 5 लाख रुपए मैंने देने, ये 10 लाख लो डिग्री दो मुझे बस। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, इकड़ा यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां मेन जो है ना पेपर के दौरान कोई बात हो गई थी, स्टूडेंट ने ऐसे गुस्सा दिला दिया था तो मैंने चीख कर ये बात बोली थी। तो वो स्टूडेंट्स कह रहे थे हाँ हमें तो अभी डिग्री दे दे हम पैसे देने को तैयार हैं। ये उन स्टूडेंट्स के अपनी जबानी में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने करके भी देखा ये। तो ये क्या चीज है, अच्छा मदारिस के तलाबा के अंदर ये चीज नहीं है, उनको डिग्री विग्री से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं भी डिग्री मिलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इल्म सही हासिल कर लिया मुझे मिल गया, ये चीज मेरे नजदीक मैटर करती है। वो इल्म, इल्म असल चीज है, एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन सही नहीं मिली और आप सिर्फ वो दुनियावी मकासद के लिए उस चीज को हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। थोड़ा सा पीछे चले जाए और अब भी जमाने में ऐसा है कि बहुत से काम ऐसे हैं जिसके लिए वो डिग्री नहीं मांगते ना उनको चाहिए होती है, वो कहते हैं ये काम आना चाहिए बस, ये काम कर सकता है बस, ये हमारे लिए काफी है।
ये डिग्री वगैरह के चक्कर में तो हमें इस जमाने के अंदर फंसा दिया गया है ना। बहरहाल खैर, चंद चीजें देखें ऐसी हैं जो हम पहली क्लास में बता देते हैं आपको ना, जो बहुत जरूरी होती हैं मेरे लिए भी आपके लिए भी, ताकि हमारा सेमेस्टर जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे। नहीं भी बताएंगे इंशाल्लाह फिर भी गुजर ही जाएगा सेमेस्टर, लेकिन बता देंगे तो अच्छा है। देखें जो इलिम है ना, इलिम ये इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसको इलिम ही समझता हूं मैं, इसको हुनर नहीं समझता। हुनर क्या होता है और इलिम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। इलिम वो होता है जो आपको अल्लाह तक पहुंचा दे, और हुनर वो होता है जो आपको पैसा दिला दे, दुनिया मिल जाए। अल्लाह मिले ना मिले वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इलिम के अंदर ना आपको अल्लाह हासिल हो जाए ना, जन्नत मिल जाए, ये इलिम होता है। और उसमें हैरत की बात यह है कि दुनिया तो ऐसे ही कदमों में आ जाती है। लोग मुझे, मेरी पड़ोसन मुझे खुद कहती थी, उन्होंने मुझे रास्ते में रोक रोक के भी कहा, जब मैं बच्चा था, कम उम्र का था, तकरीबन 15 साल 16 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने शौक से मौलवी बन रहा था, तो उन्होंने मुझे, मुझे याद है आज भी, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में था, पहला दूसरा साल था मेरा, उन्होंने मुझे रास्ते में रोक के बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो ना। मैंने कहा भाई मैं आलिम कोर्स पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम मौलवी बन जाओगे फिर तुम खाओगे कहाँ से। उन्होंने मुझे कही थी ये बात, पुरानी बात हो गई लेकिन मुझे याद है। तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई जो अल्लाह आपको खिलाता है वो अल्लाह मुझे भी खिलाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो चली गई, उन्होंने कहा भाई कोई ढंग की पढ़ाई कर लो जिंदगी अच्छी बन जाए, अभी देखो जिंदगी बर्बाद हो गई ना मेरी, है ना कुछ ही नहीं हुआ भाई। अगर देखें मुझसे मेरा अल्लाह राजी है और मैं इधर, मेरी आंख बंद हुई मैं मारा और मैं जन्नत में पहुंच गया तो मैं कामयाब हूं, और अगर मैंने जितना कुछ भी हासिल कर लिया लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है और मैं जन्नत, जाहिर है अल्लाह नाराज है तो जन्नत में पहुंच ही नहीं सकते फिर तो, नामुमकिन है, क्योंकि जन्नत उस अल्लाह की है। तो मैं नाकाम शख्स हूं, चाहे मैं दुनिया का सबसे अहम तरीन इंसान क्यों ना हूं लोगों की नजर में, लेकिन मैं नाकाम हूं और हमेशा की जिंदगी में नाकाम हूं, और मुझसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं है। तो मसला क्या है भाई, देखो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने इदारे के अंदर देख रहा होता हूं, मैं हैरान होता हूं कि लोग इस कदर परेशान है, हालांकि वो महीने के माशाल्लाह दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख भी कमाते हैं, और एक तो मैंने देखा वो 10 लाख महीने का कमाता है, उसकी बीवी रो रही थी कि पता ही नहीं चलता महीने में आखिरी तारीखों में पैसे ही नहीं होते, 10 लाख महीने के उसकी तनख्वाह मिलती है, 10 लाख कम होते हैं, उसकी बीवी रो रही थी कि वो उड़ा देती है ना, अजीब। चूंकि जब भी आप अल्लाह को नाराज कर देंगे ना तो फिर आपकी जिंदगी गई खत्म। हमारे स्टूडेंट भी समझते हैं, तलबा खुसूसन इकरा यूनिवर्सिटी के, ये भाई मैं जो सोचता हूँ फौरन हो जाता है, जो मैं सोच रही होती हूँ और खट से वो काम मेरा जो है फौरन से हो जाता है। इसका मतलब है कि मेरा अल्लाह तो मुझसे बड़ा खुश है, मुझसे बड़ा राजी है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि देखें एक एग्जाम्पल है, एक वालिद है ना, उसके दो बेटे हैं, एक फरमा बरदार है दूसरा नाफरमान है। अब जो फरमा बरदार है ना बच्चा, वो भी कोई चीज की डिमांड करेगा, मिसाल के तौर पे वो कहेगा जो है ना, अम्मी से मुझे अब्बू के को बोलेंगे मुझे मोटरसाइकिल दिला दे, मुझे बहुत जरूरत पड़ती है, यूनिवर्सिटी जाना आना होता है, ये वो फलान। और दूसरा जो है वो नाफरमान बच्चा है, वो बाप को बोलता है भाई मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, तो वालिद इसको दिला देता है और फरमा बरदार को नहीं दिलाता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नाफरमान औलाद से नुकसान होगा अगर मैं नहीं दिलाऊंगा, और फरमा बरदार औलाद है ना, इसको तो थोड़ा सा समझा दूंगा, ये मेरी बात मानता है समझ जाएगा। ऐसे ही अल्लाह भी करते हैं,
अल्लाह क्या करते हैं, जब उससे एक नाफरमान बंदा कोई भी चीज मांगता है ना, हाथ उठाता है या दिल में बोलता है या अल्लाह मुझे फलानी चीज मिल जाए, अल्लाह फरिश्ते को बोलते हैं फौरन दे उसको, क्योंकि इसकी मनहूस आवाज मुझे सुनना भी पसंद नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहता इसकी बात को। और सहाबा भी रोया करते थे, अगर उनको फौरन कोई चीज मिल जाती थी तो वो रोने लग जाते थे, परेशान हो जाते थे कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं, क्योंकि अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। दुनिया आपको मिलती रहे, मिलना शुरू हो जाए, खूब मिल रही हो, तो इसका मतलब है अल्लाह नाराज है, बड़ी निशानी ये इस बात की। और जब अल्लाह का फरमाबरदार बंदा मांग रहा होता है तो अल्लाह कहते हैं भाई इसको अभी नहीं दो, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आपने ना फरमान को फौरन दिलवा दिया, और ये तो आपका फरमाबरदार है, आपकी इतनी मानता है, आपकी इससे इतनी दोस्ती है, और मांगे जा रहा है, रोए जा रहा है, आप दे नहीं रहे इसको, क्या बात है। अल्लाह कहते हैं ये इसकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है, ये मुझसे बार बार मांग रहे हैं ना, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, और इसीलिए इसको अभी नहीं दो, नहीं दो इसको, नहीं दो, नहीं दो। अपने रसूल को नहीं अल्लाह ने, वरना तो पूरी पहाड़ आपको कहते थे कि आप हुक्म करें और मैं सोने का बन के आपके साथ चलूंगा। ऐसा तो कोई दुनिया में बादशाह नहीं आज तक आया होगा जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दुनिया ने खुद डिमांड्स रखी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फाका करना पसंद किया, आपने पेट पे पत्थर बांधना पसंद किया, लेकिन आप मतलब भूखे रहे ये आपने पसंद किया, लेकिन दुनिया को हासिल करना आपने बिल्कुल भी पसंद, ये हमारे रसूल की हिस्ट्री तो ये है। तो दुनिया ही मिलती रहे सिर्फ और सिर्फ, मुझे सारी दुनिया मिल जाए और मैं बहुत लैंडलॉर्ड हो जाऊं और बड़ा पैसा आ जाए और अच्छी नौकरी लग जाए या बिजनेस चमक जाए और अच्छी बीवी हो जाए, अच्छा शौहर मिल जाए और अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ये जिंदगी नहीं है। एकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसी को शायद जिंदगी समझ लिया, लेकिन ये नहीं है जिंदगी। जिंदगी ये है कि भले मैंने जो है ना फटे हुए कपड़े पहने हुए, इससे कुछ नहीं होता, भले मेरे पास जो है ना पैसा नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा बनाने वाला जो रब है ना वो मुझसे राजी है, इस ये मैटर करता है, वो मुझसे नाराज है, ये मेरे लिए नुकसानदेह बात है। तो उस अल्लाह को राजी करके रखना ना, ये असल मेरा मकसद है मेरी जिंदगी का। अब इल्म क्या है, इल्म मैं समझता हूँ IBF को भी, क्योंकि इसके जरिए से इंशाल्लाह आप जो है ना हराम चीजों से बचेंगे और हलाल की तरफ जाएंगे। अगर आप हराम से बचेंगे तो आपका रब खुश होगा, वो आपकी मानेगा फिर। और अगर खुदा नफासा जिंदगी में हराम है और आपको पता है कि है हराम और फिर भी आप उससे नहीं बच रहे, तो फिर आपका रब नाराज होगा। और इसी IBF से ही आपको ये पता चलेगा, क्योंकि इल्म इंसान को सब कुछ सिखाता है। इल्म होगा तो उसको पता होगा कि ये काम गलत है, ये सही है। नहीं होगा तो फिर तो बेचारे को अंदाजा ही नहीं होगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि यार क्या गलत है क्या सही है। तो इसीलिए नॉलेज इल्म का हासिल करना जरूरी है। हुनर क्या है, जिससे आपको दुनिया मिल जाए, इल्म वो है जिससे रब मिल जाए। तो अगर IBF को इस नियत से पढ़ते हो, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, या उस सिर्फ बैंकिंग को हटा भी दो, सिर्फ आप इस्लामिक फाइनेंस भी समझो। बैंकिंग तो हम मजबूर हो गए ना, हमारा निजाम ऐसा बना दिया गया, वरना बैंकिंग की मुसलमान को जरूरत ही नहीं है, बैंकों की जरूरत नहीं है। उसके बगैर इस्लाम के पास अपना एक इस्लामिक सिस्टम है जो बहुत जबरदस्त है, वो इन बैंकों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है और बरकत बरकत वाला है। इन्होंने तो सारी बेबरकती कर दी है बैंककारी के निजाम ने, क्योंकि बैंक को तो खुसूसन पूरी दुनिया में मुसलमान मानता ही नहीं था स्टार्ट में ना, बिल्कुल शुरू में। ये एक बिजनेस के तौर पर बैंकिंग का निजाम जो है ना इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि जो कारोबारी लोग थे ना उन्होंने अपने बैंक बनाए कि भाई इस बहाने से क्या होगा, लोगों का पैसा भी हमारे पास आएगा और हम पहले से ही कारोबार करते हैं, हमारे कारोबार में एक तरह से वो इन्वेस्ट हो जाएगा और इससे हमारा कारोबार और बढ़ जाएगा, और लोगों से पैसा निकलवाने का ये एक रास्ता है, मजबूर कर दे हम लोगों को। एक वक्त आए हम उनको इतना ज्यादा फंसा देंगे वो अपना पैसा लाजमी तौर पे बैंक में ही रखवाए। तो मुसलमान जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जाते ही नहीं थे मुसलमानों को, ये एडवर्टाइज करते थे, मशहूरियां करते थे, लोगों को
गाइड करते थे, समझाते थे, कन्विंस करते थे कि भाई नहीं रखवाओ, आपका पैसा बड़ा सिक्योर होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये होगा, फलाना होगा। मुसलमान कहते थे हम क्यों रखवाएं, क्योंकि मुसलमानों की आदत क्या थी, इस्लाम उनके पास मौजूद था ना, तो इस्लाम का तरीका था उनके पास। वो क्या था, वो कहते थे भाई मेरा पैसा मेरी चीज है, मेरे पास ज्यादा महफूज है, तुम्हारे पास क्यों महफूज होगी, नहीं समझ रहे बात। फिर अगर मुझे उसकी ज्यादा हिफाजत करनी है तो वो खजाने की तरह उसको छुपा लेते थे, मट्टी के नीचे दबा देते थे, या किसी अपने भरोसेमंद आ जाए, किसी एतमाद वाले बंदे के पास रखवा देते थे, या उससे ज्यादा वो क्या करते थे, अपने किसी जान पहचान वाले के पास बिजनेस में लगा देते थे, कारोबार में, उसको वहां से ही प्रॉफिट मिल जाता था। कहते थे मैं बैंक के पास क्यों रखवाऊं। अब क्या हुआ कि ये बिजनेस बैंककारी का नहीं चला, नाकाम हुआ, तो उन्होंने क्या करा, फिर पाकिस्तान में खुसूसन इधर कराची के अंदर और भी शहरों में उन्होंने इंटीरियर सिंध के जो डाकू होते थे ना, इनके साथ मुआहिदा किया। ये हकीकत में हुआ है साहब, जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके साथ मुआहिदे करे। क्या मुआहिदा करा कि भाई आप डाकू लोग जो है, पूरा गैंग जो है आपका, आप सालाना कितना कमाते हैं, यानी डकैतियां मारते हैं और ये सारे काम कर करके, कत्ल करके, ये सब आप साल का कितना कमाते हैं। उन्होंने बताया भाई हम साल का जो है वो 50 लाख कमा लेते। उन्होंने कहा हम आपको 1 करोड़ देंगे और आपने क्या करना है, लोगों के घरों को लूटना है, किसी का माल महफूज नहीं रहना चाहिए, समझ गया बात। इन्होंने उनसे कांटेक्ट करे, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, प्रोमोट करने के लिए। उसने कहा ये अगर ऐसे नहीं मानते ना लोग, फिर हम ऐसे करवाते हैं। तो इन्होंने उनको हायर किया, डाकुओं को, लुटेरों को और गलत किस्म के लोग करने के बाद उनको इन्होंने एज अ जॉब दे दी, गोया एक तरह से जॉब पे रख लिया। ये भी एक जॉब है उनके नजदीक, बिजनेस अपना प्रोमोट करने के लिए। अब ये काम शुरू कर दिया गया है जी, लोगों के घरों पे। तो आप पिछले लोगों से पूछे कि बताते हैं हम, हमारे घरों पे दीवारें ही नहीं होती थी, दरवाजे ही नहीं लगते लगाते थे हम तो। कभी किसी के घर पे ऐसा होता था बस कपड़ा लटका दिया, ये पर्दा होता था बस, लोगों का आना जाना, पड़ोस वाले बगैर बोले आ जाते थे घर के अंदर, बच्चों का आना जाना रहता था, कोई किसी को नहीं मना करता था, रोकता था कोई ऐसी। ये जो आज माशाल्लाह ऐसे लोहे के और आयरन के मजबूत दरवाजे और ऐसी दीवारें हैं, जिधर मतलब दड़वे हैं, दूसरे लफ्जों में दड़वे हैं ये, जिसे मुर्गियां रखी जाती है ना दड़बों के अंदर। देखिए इंसान ऐसे नहीं रह सकता, इंसान तो खुली फिजा में रहता है, वॉशरूम भी उधर ही है, अल्लाह माफ करे, वो जिसका नहीं भी दिल चाह रहा वो भी जा रहा है, वो नहीं भी जाना तो वो जा रहा है वो। ये हालांकि हमारे घरों से मीलों दूर हुआ करती थी ये जगह, यानी आपको जब बैतुल खला जाना होता था हाजत के लिए तो 1 मील चल के जाना पड़ता था, 1 मील मतलब के 3.5 किलोमीटर के करीब। तो ये क्या हो गया, बहरहाल वो जब उन्होंने सिस्टम चलाया, लोगों का माल महफूज नहीं रहा। अब लोग मजबूर हो गए कि भाई अपने माल को महफूज करने के लिए अब ठीक है इनके पास रखवाओ। ये बैंककारी का निजाम ऐसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, लोगों ने अपना पैसा रखवाना शुरू कर दिया। अब आज हम इस बैंककारी के निजाम के बिल्कुल जो है मोहताज हो चुके हैं, हम फंस चुके हैं। एक बंदा जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि भाई मेरा मुझे चेक दिया जाए, मेरी सैलरी जो है वो बैंक के अंदर ट्रांसफर ना की जाए, मैं चाहता हूं ऐसा ना किया जाए, भाई मेरे हाथ में दो। नहीं जी, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, भले आप ही का पैसा है, अब ये आप ही को देना है, लेकिन उस तरीके से देंगे आप, आपको डायरेक्ट नहीं देंगे। अब उसमें फिर 1000 किस्म के दीगर मसाइल भी आ गए, टैक्सेशन आ गई, फलाना आ गया, ये आ गया, वो हो गया, अब हम मजबूर हो गए। तो वो निजाम क्या था, सारा टोटली कन्वेंशनल था, अब उसको इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई।
अच्छा, कन्वेंशनल बैंककारी के निजाम को तोड़ा। अभी आज से तकरीबन 14 साल पहले चंद दीनी मजहबी लोगों ने, जो इनमें ज्यादा बड़ा किरदार मेमन हजरात का था, इन्होंने एक कारोबारी सिस्टम अपना स्टार्ट किया जो कि हलाल वे में था और बैंककारी के निजाम को नुकसान पहुंचाने वाला था, और हुआ भी यही। जिसके अंदर इन्होंने तमाम हलाल सोर्सेस के जरिए से जो है ना कारोबार शुरू करे, और उस कारोबार के अंदर वो मेमन हजरात जो चंद थे, 6-7 लोग, ये बड़े कामयाब हुए। इन्होंने बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। फिर इन्होंने सोचा कि हम इसके जरिए पूरे पाकिस्तान के मुसलमान जो है खुसूसन, इनको भी फायदा पहुंचाए। उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया उलामा इकराम से, हमारे मौलवी हजरात से। निचले मतलब तबके में भी जो मौलवी थे, जैसे आम मस्जिदों में, मदरसों में, ये कोई बड़े जैयद उलामा भी नहीं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या तारी जमील साहब या फलाने डिमकाने बड़े बड़े, ये नहीं। इन्हीं से जो दोस्त यार थे मौलवी, उनसे उन्होंने एग्रीमेंट करे और कहा भाई आपने हमारे बिजनेस को प्रमोट करना है, देख लें हमारा बिजनेस सारा ये है। उनके सामने सारा कुछ उन्होंने पेश कर दिया, इस तरीके से हम कर रहे हैं। उन्होंने कहे तो बिल्कुल सही है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहे हो काम। अच्छा जी, अब उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बंदा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता था, उसको मंथली जो है ना 22-23 हजार रुपए, बाज दफा 25-26-27 हजार रुपए भी प्रॉफिट मिल जाता था 1 लाख रुपए के ऊपर, जो कि बहुत जबरदस्त प्रॉफिट था। बैंक तो इतना प्रॉफिट दे भी नहीं रहा था, वो भी सूद और उसके अंदर हराम भी शामिल था, और इसमें प्योरली हलाल था सारा ये। तो उलामा इकराम ने इसको बड़ा पसंद किया, यार ये तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए और तो बड़ी बरकत है इसके अंदर। तो अब उन्होंने भी लोगों को कन्वेंस करना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उस निजाम का थोड़ा सा हिस्सा बना था, तो मैंने भी देखा बड़ा अच्छा निजाम है, ये तो बड़ा जबरदस्त है और बहुत अच्छा चला वो सिस्टम। अच्छा, उसका फिर आगे चल के क्या हुआ कि लोगों ने अपना बैंक से पैसा निकाल के ना, जितना भी रखा हुआ था, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक बंदा मेरे साथ, काफी लोग बैठे हुए थे, एक साहब बैठे हुए थे, वो कहने लगे, उनसे पूछा कि भाई आपने अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? तो उसने बताया मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, और उसको बताया कि आपको कितना अर्सा हो गया इन्वेस्ट किया? उसने कहा 7 महीने हो गए, 8वां महीना ये। उन्होंने कहा कितना प्रॉफिट जनरेट कर लिया? कह रहे 80 करोड़ मिल चुके हैं मुझे। बात समझ आ रही है? 10 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए थे, 7 महीने में कितने मिल गए उसको प्रॉफिट? 80 करोड़ का प्रॉफिट वो ले चुका था। अब क्या हुआ? अब देखें, हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान के इदारे हरकत में आए। जब उन्होंने देखा ना, बैंक ने देखा कि यार ये फलाने लैंडलॉर्ड साहब थे, उन्होंने इधर जो है ना हमारे पास 10 करोड़ रखवाए रखे हुए थे उनके, तो वो एकदम इन्होंने निकाल के किधर ले गए भाई 10 करोड़, कहाँ चले गए? वो फलाने साहब थे, उन्होंने 50 करोड़ रखे हुए थे, उन्होंने निकाल लिए, कहाँ चले गए एकदम? वो फलाने साहब थे, आपको पता ही नहीं ये बात, या पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता ये बात, कि बैंककारी के अंदर जब ये ईद आती है ना, हमारी ईद उल अजहा, ईद उल फितर, तो इनके पास तो पूरी लिस्ट होती है कि भाई सबसे ज्यादा पैसे किसके हैं बैंक में, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन, फिफ्थ पे कौन, टॉप 10 एंड टॉप 50 एंड टॉप 100 पर्सन कौन है। ये उनसे ईदी भी लेते हैं, जब वो बंदा या उसके लोग आते हैं ना इधर पैसा जमा कराने या निकालने या जो भी, तो वो बोलते हैं भाई साहब को फोन करें यहीं से और बोले हम बैंक में इतने लोग हैं, सबकी जो है वो 2-2 हजार, 3-3 या 5-5 उसके हिसाब से जितने उसने पैसे रखे हुए, इतनी हमारी ईदी भी निकाल के दें। अभी वो मेरे सामने ऐसा कई दफा हुआ है, तो वो ईदी भी लेते हैं जबरदस्ती उनसे, उनको तो पता होता है ना आपका कितना पैसा रखा हुआ है। तो जब इतने लोगों ने पैसा निकालना शुरू करा ना, तो ये फिर इदारे हरकत में आए, बैंक परेशान हो गए, सबने मिलकर स्टेट बैंक समेत सबने मिलकर फिर एग्रीमेंट करा कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये चंद लोगों ने तमाशा लगा दिया पाकिस्तान के अंदर,
इन्होंने जो है ना सारा पैसा बैंक से निकलवा रहे हैं लोग, और हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा, क्योंकि बैंक तो ठप होंगे, खत्म होंगे, जाहिर है पैसा निकल गया तो खत्म हो गया काम, असल तो उनकी बुनियादी पैसा है। तो फिर इन्होंने एग्रीमेंट करे आपस में, और वही वाली हरकत कि भाई इस कारोबार को बंद करवाना है किसी तरह। मैं मुझे खुद याद है अच्छी तरह, मेरा क्लास फेलो लड़का था, उसने उसके हलके के जो लोग थे उन्होंने तकरीबन 25 से 26 लोग थे जिन्होंने इसके जरिए पैसा इन्वेस्ट किया था, और जो इन्वेस्ट किया था वो तकरीबन सबका मिला के 1 अरब के करीब था। तो ये हर हफ्ते जाता था, इतनी मोटी ना गड्डी लेकर आता था चेक्स की, मुझे याद है इसको बांटते बांटते चेक जो है ना 6 दिन गुजर जाते थे, यानी कि लोगों को जा जाके देने में 6 दिन निकल जाते थे चेक्स। और वो कैसे चेक होते थे कि वो मुझे खुद दिखाता था गड्डी के, उन चेक्स के अंदर कम से कम भी जो सबसे छोटी सी छोटी रकम भी होती थी ना वो 50,000 की होती थी, और ये 1 महीने का प्रॉफिट था, और ज्यादा से ज्यादा करोड़ों की रकम होती थी प्रॉफिट की, जो बिल्कुल हलाल वे के अंदर माशाल्लाह वो हजरात मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। बस इसके पीछे फिर जब ये सबका एग्रीमेंट हुआ और लगे, तो इनका 500 अरब के कंटेनर थे जो आए हुए थे पोर्ट के ऊपर, और इन्होंने अपने उस बिजनेस के अंदर ये शराइत रखी थी, तमाम रिक्वायरमेंट्स थी, उलामा इकराम के मातहत फिर इन्होंने शुरू कर दिया था ये काम कि हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए ना रिश्वत नहीं देंगे, क्योंकि हम हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा काम कर रहे हैं, जो मतलब लीगल फीस होगी वो देंगे, सिर्फ रिश्वत नहीं देंगे। तो इन्होंने उनके 500 अरब के कंटेनर वहां पे रोक दिए, रिश्वत मांगी इन इदारों ने मिलकर, क्योंकि मुसलमान को इधर फायदा कैसे हो रहा है, फायदा नहीं होने देना, और हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, बैंकारी का निजाम टूट गया था एकदम आज से 14-15 साल पहले। तो इन्होंने वही रिश्वत में फंसाया और इन्होंने रिश्वत नहीं दी, तो 500 अरब का जो नुकसान हुआ ना उससे फिर इन्होंने इस कारोबार को तोड़ा, खत्म किया। तो ये तो आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान का निजाम आपको जो है ना बैंकारी के निजाम से, सूद के निजाम से बचने देगा। जमात इस्लामी खड़ी हुई थी अभी आज से 7-8 साल पहले, सूद के खिलाफ बहुत ज्यादा इन्होंने कैंपेन चलाई, आपको पता है उल्टा फिर इन्होंने माफी मांगी इदारों से, यानी कि गलत काम को रोकने वाले को खुद जो है ना मुलजिम करार दिया जाएगा, उसको जालिम बना दिया जाएगा, लेकिन जो गलत करने वाला है वो मासूम ही बना रहेगा, वो शरीफ ही बना रहेगा, और भले वो कुरान के खिलाफ कानून चला रहा है लेकिन वो अच्छा बना रहेगा। तो पाकिस्तान का निजाम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो चुका है, इतना मजबूत और जबरदस्त निजाम बन गया है कि जो आदमी चोर डकैत है ना वो ही शरीफ है, असल वो ही इधर जिंदगी गुजारने के काबिल है, जो शरीफ है ना वो यहाँ पे जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं ना मौली फजल रहमान और फलाना डिमकाना, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा है, यहाँ पाकिस्तान में कौन इनके बगैर सियासत कर सकता है, इन चीजों के बगैर कोई कर सकता है सियासत, आप करके दिखाएं फिर आप रोल मॉडल बने तो सही है, वो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम उससे हमें एक सेफ साइड तो मिली हुई है ना, कि हमें जब लोग ऐसी गलत चीजों में फंसाएंगे तो हमें कहीं से तो ताकत मिलेगी ना, फिर यहाँ यार हमारी भी लाइन का बंदा है और पावर में है, चलो फिर ऐसे नहीं तो वैसे हम बचते, क्योंकि शराफत की तो जिंदगी नहीं है ना, खत्म। तो आपने सिस्टम ने आपने मिल मैंने हमने मिलकर ही वो सिस्टम ऐसा बनाया ना, नहीं समझे बात, तो वो भी जरूरी है, हर चीज का जब वायरस है तो एंटीवायरस भी है फिर तो वो भी जरूरी है, भले वो गलत करता है सही करता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें जरूरत है उससे, सिस्टम ऐसा बना। अब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं भाई क्या करें, तो भाई यही करो फिर, जब एक खराब सिस्टम है उस सिस्टम को खत्म करने के लिए अच्छा सिस्टम उसको खत्म कर नहीं सकेगा, बड़ा मुश्किल है, अब उससे भी एक खराब सिस्टम बनाओ जो उससे भी ज्यादा करप्ट हो, तो
तो इस सिस्टम को वो खत्म कर सकता है, खत्म करे और फिर वो उस करप्ट सिस्टम जो है ना फिर वो सही सिस्टम को लेकर आए। बहरहाल IBF जो है ना इस्लामिक बैंकिंग, तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये इल्म है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तक पहुंचने का ये एक जरिया बनेगा। दूसरा सोर्सेस ऑफ एजुकेशन जो है, यानी इल्म हासिल करने के लिए जो जराए बनती हैं चीजें, जिनके जरिए से हम इल्म नॉलेज हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं हम, वो क्या चीजें होती हैं? जैसे आपकी स्टेशनरी होती है, आपके बैग्स हैं, ठीक है, आपके जो है ना पास जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं। अब कोई मिसाल के तौर पे अगर फौजी बंदा आ जाए और वो अपना जो उसका हथियार है यानी कि उसकी गन है वो उधर फेंक दे या नीचे रख दे और फिर वहां पे दूर जाके खड़ा हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, यार ये कैसा फौजी आदमी है, इसने तो अपना असल जो असलाह था वो ही अपने आप से दूर कर दिया। हालांकि फौजी असल कौन होता है, जिसका असला उसके जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे आपका ये बैग है, इसको नीचे रखना ये भी दुरुस्त अमल नहीं है, ये सही बात नहीं है। बैग है इसको हम पीछे हैंग करते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप देखें मदारिस के जो तलबा हैं वो अपनी किताबों को कहां पकड़ के रखते हैं, आपने देखा है, गौर किया कभी, ऐसे दिल से लगा के रखते हैं और साबित करते हैं कि ये हमें आगे जन्नत की तरफ लेकर जाएगी, और आप साबित करते हैं ये मुझे पीछे जन्नत की तरफ और बैग को बच्चे ऐसे खींच कर लेकर जा रहे हैं रोड पर, पहिए लगा दिए उसमें, ये इल्म नहीं ऐसे मिल सकता। इसकी अगर आप इसको ये औकात देंगे तो ये आपको भी वही औकात देगा, ये इसकी मोहब्बत है। ये इकरा यूनिवर्सिटी वाले तो देते भी हैं, यहां पर एक हैंगर देखें ये दिया हुआ है कि इस पे लटका लो, ये इसीलिए देते हैं कि आप अपने बैग्स को यहां पे लटकाएं, नीचे ना रखें, ये इसका अदब है, ठीक है। बैतुल्लाह की तरफ आप पैर करें, बैतुल्लाह की तरफ आप जो है ना पीठ कर लें, तो इसको हम बेअदबी समझ रहे होते हैं। कुरान को आप नीचे रख दें जमीन पे, इसको बेअदबी समझ रहे होते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं असल बेअदबी ये नहीं है, असल बेअदबी क्या है कि हम उस पर अमल नहीं करते जो कुरान के अंदर मौजूद है। अरबी क्या करता है, मैंने खुद देखा है कि उसने ऐसे कुरान रखा दोनों पैर के नीचे, यहां उसको चुभन हो रही होगी या क्या, तो उसने बोला ये तो नरम है कुरान, उसने रखा दोनों पैर के नीचे ऐसे और पैर ऐसे लंबे कर दिए, सामने बैतुल्लाह था, बैतुल्लाह की तरफ दोनों पैर कर दिए उसने, और मैं नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ उसको मैं बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन मैं देखता ही रहा क्योंकि ये शरण गलत नहीं था, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था और मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पाबंदी से कुरान की तिलावत कर रहा है रोज और कुरान पर अमल कर रहा है। लेकिन कुरान को खुद बहसियत है फिजिकली ना, वो ये अहमियत दे रहा है। हम क्या करते हैं रमजान में पीठ हो रही है जी इसलिए कुरान ही नहीं पढ़ते, रख देते हैं, पहली सफ वाले सिर्फ पढ़ लेते हैं, दूसरी सफ वाले तीसरी कोई नहीं पढ़ता क्योंकि भाई पीठ हो रही है। कोई साहब आ जाते हैं जी मैं ऊपर बैठ रहा हूं आप नीचे कुरान पढ़ लें, आप रख दो कुरान नहीं पढ़ोगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। कोई नेक अल्लाह वाले वली की कब्र है तो अब उसको पीट नहीं कर रहे, उल्टा जा रहे हैं, भले पीछे गिर जाए, सर फट जाए, टकरा जाए, खड्डे में गिर जाए, वो बर्दाश्त से ये नहीं होना चाहिए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को जो आपकी कब्र है जब आप नमाज पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पीट होगी क्योंकि सफे आगे हैं आपकी कब्र पीछे, हमने खुद वहां नमाज पढ़ी पीट हो रही थी, तो ये क्या बेद भी हो गई। कॉमन सेंस की चीजें, अगर आप उस कब्र वाले की जिंदगी पे अमल कर रहे हैं ना, तो सहाबा ने भी पीट करके नमाज पढ़ी है, वो नाकाम थोड़ी हो गए कोई। लेकिन असल चीज है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, उनके जिंदगी अल्लाह वाला था ना, वो कब्र में चले गए तो उसकी जिंदगी पे आप अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये असल है। लोगों को क्या चीज सिखा दी गई है भाई, वो असल वसल नहीं है, वो सारे काम करते रहो, बस इधर आओ चादर चढ़ाओ सजदा करो और पीठ नहीं करना है इसको, और यही मलंगों को जो है ना खाना खिला दो बस तुम जन्नत में, ये दरवाजा है जन्नत का इसमें से पार हो जाओ तुम जन्नत में, ऐसा नहीं होगा।
वो कबर वाला खुद समझा के गए कि मेरी जैसी जिंदगी बना लो तो जन्नत में जाओगे वरना नहीं। और तो खुद बोल के गए कि मजार नहीं बनाना मेरी कबरों को, और हमने बना दिया, बिजनेस है। तो मसला क्या है भाई, मसला हमारा कुछ और है, हम अदब सही तरह खुद नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है किसका अदब करना है। दोस्त का ज्यादा अदब कर रहे हैं क्यों, उसके साथ गप्पे मार रहे हैं, बाप का कोई अदब ही नहीं, इमाम साहब को जाके दुआओं के लिए बोल रहे हैं, हालांकि वालिद को तंग करके रखा हुआ है, हालांकि आपके वालिद की दुआ 100% आपके लिए कबूल होगी अगर आप वालिद को बोले ना, उनके पास बैठे उनकी बातें सुने, उनसे दिल लगी लगाए। इमाम साहब करेंगे शायद 1% चांस हो कि उनकी दुआ आपके लिए कबूल हो जाए, लेकिन आपका सगे वालिद है, सगी वालदा है, उनकी दुआ आपके हक में जरूर कबूल होगी, उनको पास करके आप जाके इमाम को बोल रहे होते हैं। तो हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। अदब सही जगह पे सही तरह से सही बंदे का करना है तो फिर देखें आपको अल्लाह ताला कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे इल्म की रोशनी आपको खुद दिखाएंगी रास्ता। फिर तो सबसे पहली बात यह कि ये तो इल्म है, और इल्म हासिल करने की नियत से इंशाल्लाह आएंगे, और किसी नियत से नहीं आए। यार वो फलानी लड़की है उससे मैं दोस्ती लाऊंगा, उससे बातें करूंगा, गप्पे करूंगा, कैंटीन में बैठूंगा, उधर ये खाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा, नहीं। ये आप अपनी नियतें छोड़ दें, आप ये नियत करके आए सैटरडे वाले दिन, भाई मैं जो है ना इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, हराम से बचना है, हलाल अल्लाह को राजी करने के लिए मुफ्ती साहब की क्लास में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर हदीस के जितने फजाइल हैं वो आपके लिए हैं। वो क्या है कि फरिश्ते अपने पर बिछाएंगे आपके लिए, उनको अच्छा लगेगा कि यार ये इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा मेरे परों के ऊपर से जाए, आपको तो नजर नहीं आ रहे लेकिन वो आपके रास्ते में पर बिछा रहे हैं, अपने फरिश्तों के पर हैं ये हदीस में। और बिलों की जो चूंटियां हैं वो आपके लिए दुआएं मगफिरत करेंगी, फिर मछलियां जो हैं समंदर की ये दुआएं मगफिरत करेंगी, ये जमीन कल क़यामत के दिन जो है गवाही देगी कि हाँ ये इकरा यूनिवर्सिटी जा रहा था और इल्मे दीन की नियत से जा रहा था कि मैं हराम से बचूंगा, हलाल खाऊंगा और अल्लाह को राजी करूंगा, ना कि कोई लड़का लड़की के चक्कर में जा रहा था। तो फिर ये इल्म की शान है वरना हुनर की नहीं। अगर आप IBF को एक एज अ सब्जेक्ट बस मैंने जी कोर्स में उठा लिया, बस मैंने करना है इसको कंप्लीट, कुछ भी हो जाए, अच्छे नंबर लेने, GPA बढ़ानी है, तो वो फिर आप गए, नियत खराब हो गई ना। नियत सही होना जरूरी है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, आदमी जब शादी के लिए तैयार हो जाता है ना, मतलब मैं अब शादी करता हूं, तो चार ही वजूहात की वजह से करता है। अच्छा शादी करता भी शरीफ आदमी है, बदमाश आदमी है तो वैसे ही बोलता मुझे शादी करनी ही नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। हमारे अल्लाह वालों के पास लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जी वो हमारा बच्चा है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हमने तो भेजा था वहां पर, अच्छा कमाएगा और हमारे वारे न्यारे होंगे, और फिर मतलब अच्छा बैंक बैलेंस बना के, और फिर आ जाएगा पाकिस्तान, हम अपनी वो चचा की बेटी से करा देंगे शादी, या ये वो तो कह रहे मैंने शादी नहीं करनी। तो हम उसको बोलते हैं भाई ये ज्यादा खतरनाक हो गया अब केस आपका, अब वो जब ये कह रहे हैं ना मैंने शादी नहीं करनी है, इसका मतलब है कि केस गया आपके हाथ से, गड़बड़ आपने खुद ही गड़बड़ कर दिया, उसको भेज दिया आपने बाहर, और अब आप के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब आप चुप करके बैठ गए बस, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही कोई करिश्मा दिखा दे तो दिखा दे, वरना अब खत्म। और शरीफ आदमी तो पीछे लगता है अपने माँ बाप के, भाई मेरी शादी कराओ, कराओ मेरी शादी खुदा के लिए। अब वो तो उनका तो अरबाइन, चार वजह से आदमी शादी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, आप खुद फरमा रहे, आपने फरमाया लिमा लिहा। पहली वजह क्या होती है, जब वो दूल्हे बैठे हुए होते हैं ना मेरे सामने भी निकाह के लिए, मैं निकाह भी पढ़ा देता हूँ ना, तो मैं उनको भी ये चारों बातें समझाता हूँ, या तुम अपनी नियत अभी ठीक कर लो। इकरा यूनिवर्सिटी के भी लड़के लड़कियों के मैंने पढ़ाए निकाह माशाल्लाह, हाँ किसी को बताना नहीं। मैंने पार्किंग में भी पढ़ा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताना नहीं किसी को, 11 साल हो गए मैं, और अभी तक मेरे पास आते हैं तलबा, अभी भी एक बच्ची का मैसेज आया था, उसका कोई ऐसे ही मसला था, मैं पसंद करती हूँ तो वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी एजुकेशन खत्म करा देता हूँ, ये करा देता हूँ,
तो अब ये बताएं शरीयत के मुताबिक क्या मसला है। मैंने कहा ये तो शरीयत के मुताबिक तो तुम्हें इजाजत तो है, लेकिन कोई मतलब हुदूद में रहते हुए आप अपने वालिद साहब को तैयार करो और ये वजीफा पढ़ो। मैंने उसको वजीफा दिया नमाज के अंदर पढ़ने का, ये पढ़ो इंशाल्लाह आपके वालिद साहब मान जाएंगे, क्योंकि तो अच्छी बच्ची हुई ना, उसने शादी करनी है, वो उसने कुछ और नहीं मकसद है उसका, तभी तो वो देखे मुझसे भी राब्ता कर रही है और अपने वालिद को भी उसने तैयार करना है जो भी। तो लिमाल यहाँ मैं उनको समझाता हूँ, नबी अलैहि सलाम ने जो समझाया कि भाई तो माल की वजह से शादी कर रहा होता है एक लड़का या लड़की जो किसी से शादी भी कर रहे हैं ना, या कोई चक्कर भी चला रहे हैं, तो नियत खराब नहीं होनी चाहिए। ये नबी अलैहि सलाम ने असल चीज समझाई। तो आपने कहा कि पहली नियत जो खराब होती है ना वो लिमाल यहाँ पैसे के चक्कर में, यानी कि लड़का लड़की के पीछे इसलिए पड़ा है या शादी कर रहा है कि भाई इसके पास पैसा है, ये इससे मैं शादी कर लूंगा तो पैसा मुझे मिल जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, इसकी फलानी जगह पे घर है, फलानी दुकानें हैं, ये प्रॉपर्टी है, वहां से ये मिलना है, इसको उधर से ये मिलना है। ये नियत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब चाहे लड़की लड़के में देख रही हो वो भी गलत है, ये कोई मैरिज ब्यूरो 2 थोड़ी एक यूनिवर्सिटी ये बाद लोग अंदर के बोलते हैं ये बात, ये मैच मेकिंग इदारा है, ये मशहूर है, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत बात है, ये भी मशहूर है ये बात, और भी बहुत कुछ है बहरा। तो इधर लड़के लड़कियां खुद ही मैच मेकिंग कर लेते इधर जो है वो किसी सिस्टम को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है, सारे सिस्टम आउट। बहरहाल तो वो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लिमालिहा, माल वजह होती ये नियत क्या है खराब है, गलत नियत है, ये नियत सही नहीं है। वली हसबिहा, दूसरी बात आपने फरमाई कि हसब नसब जात पात स्टैंडर्ड की वजह से कि यार ये तो डिफेंस के और स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, इनकी जात बहुत ऊंची है, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा भी स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, ये इनका बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है और इनकी उठक बैठक बहुत ज्यादा है और ये वो, तो ये नियत नबी अलैहि सलाम फरमाते गलत है। और तीसरी नियत वली जमालिहा, खूबसूरती, लव मैरिज, नबी अलैहिस्सलाम ने बोला मुझे नहीं पसंद आप, मैं हराम हलाल की बात नहीं कर रहा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी चाहत के खिलाफ, यानी ये अमल ना मुझे नहीं पसंद है कि तुम मोहब्बत की शादी करो, ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई मोहब्बत की शादी नहीं करी और आपने ये साबित बोल भी दिया कि मुझे अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला का एक सहाबी है वो साथ बैठे हुए थे और उनको ऐसे थपकी वो लगा के आपने कहा कि अबू दर्दा ये तीन काम ना करियो, यानी क्या पैसे के चक्कर में शादी ना करना, किसी के हसब नसब को देखकर शादी ना करना, तीसरा खूबसूरती को देख के शादी नहीं करना। खूबसूरती के पीछे अक्सर जो है ना ज्यादातर बद अखलाकी होती है, ये खूबसूरती के पीछे की निशानी है, सच बता रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सही समझा रहे हैं। तो आपने कहा कि इन तीन चीजों को फोकस नहीं करना, वो अलग मसला है कि तुम्हें खूबसूरती नजर आ गई, तुम्हें प्यार हो गया, तुम्हें हसन नसन नजर आ गया, तुम्हें माल नजर आ गया, उसको साइड पे फेंक दो, ये गलत खराब नियत नहीं करना है, बहुत छोटी घिरी पड़ी नियतें, तुम शादी इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, निकाह कर रहे हो, तो मैं इसीलिए उस एंड टाइम पे बता देता हूं कि यार अभी तक अगर तुमने नियतें की हुई थी तो इन नियतों को खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी वरना नहीं चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी, हो जाती है खत्म। मैंने खुद देखा है, आपको मैं दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, मुझे तो लोग तस्वीरें भेज देते, पागल के बच्चे हैं, अपनी बीवी को तस्वीर भेजनी चाहिए किसी को, बुरी बात है जो वो भेज रहे वो दिखा रहे, मैं कह रहा हूं भाई मैं मुझे क्यों दिखा रहे हो, आपकी बीवी आप ये पढ़ो वजीफा करो अल्लाह से मांगो अल्लाह ताला आसानी करेगा, मतलब आप भी हैरान रह जाएं यार खूबसूरती कहां पहुंची हुई है, माशाल्लाह सब कुछ नजर आ रहा है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा उनसे, खत्म मामला ही खत्म, आइए भाई आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं आप। तो मसला ये है कि आपने नियतें सही नहीं करी ना। अच्छा चौथी नियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये नियत तो करनी है, ये असल है दीन, वली दीन, यहां यानी लड़के वाले लड़की के अंदर देखें भाई कितना दीनदार है,
तहज्जुद पढ़ते नहीं पढ़ते ये नहीं, इधर आके लड़के की भी वो फर्ज पड़ता था वो भी छुड़वा दे, या छोड़ इस सबको उधर जाने इधर जाने शादी में ये वो। और इसी तरह लड़का वाले लड़की में देखे और लड़की वाले लड़के के अंदर देखे। और हमारे यहाँ दीन का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई दीन पे कितना अमल कर रहा है, कितनी नमाजें पढ़ लें, कितने रोजे रख रहे, कुछ नहीं पूछा जाता। ये चीज गलत है, ये नियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दीनदारी को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल चीज ये है कि तुम किस चीज को देखो, दीनदारी को देखो कि दीन उसके अंदर कितना मौजूद है। तो तालिबे इल्म को अदब करना जरूरी है, आईबीएफ को इल्म समझकर हासिल करना जरूरी है। और आखिरी बात इसमें यह है कि भाई उस्ताद भी इसका एक जरिया होता है, टीचर जो होता है ना आपका रूहानी बाप की जगह होता है, उसको वैसे ही समझना चाहिए। आपके वालिद जो है ना, वालिद उनका जो अदब है वही अदब उस्ताद का भी होता है, उससे भी बाज उलमा ने तो लिखा है इससे भी ज्यादा अदब होता है। आप अपने वालिद का जितना करते हैं उससे ज्यादा अदब किसका होता है, उस्ताद का होता है। क्योंकि वालिद आपको इतनी ज्यादा देर नहीं समझा सकता जितनी देर मैंने समझाया है, मुश्किल है। वो आपको 15 मिनट लेके बैठेंगे, आधा घंटा लेके बैठेंगे, 3 घंटे थोड़ी लेके बैठेंगे, वो भी हर हफ्ते में एक दफा। तो ये उस्ताद और वालिद में थोड़ा सा फर्क है, उस्ताद को ज्यादा मौका मिल जाता है को समझाने का, उसकी तरबियत करने का। और असल मेन चीज ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये भी याद रखो, असल चीज ये होता है कि आप उस इल्म को समझ गए, सीख गए और आपके अंदर अदब आ गया और आपके अंदर जो है ना रूहानियत आ गई, समझ गए आपने कोर्स का हक अदा कर दिया। और अगर ये सब कुछ नहीं आया, आपकी तरबियत नहीं हुई, आपको ये नहीं पता चल सका यार कैसे उस्ताद से मिला जाता है, कैसे अदब किया जाता है, कैसे उससे अलग हो जाता है, कैसे उससे बात की जाती है, या किस इलम ये इलम है बाकायदा और इसको हासिल करने का फ़ायदा क्या है और मैं किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये सब आपको नहीं हासिल हुआ, भले आप 100 में से 100 नंबर ले हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। असल मकसद क्या है कि आपको वो असल फ़ायदा हो जाना चाहिए जो हमें इंशाल्लाह आपको देना है। अच्छा ये ज़रा हम देख लेते हैं, कनेक्ट हुआ है इससे, मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया था इससे फाइल ओपन करने के लिए। देखिए यहाँ पे आ रही है इन्फिनिक्स ड्राइव भाई, अच्छा थोड़ा सा ना कोर्स आउटलाइन तो आपको पता ही है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, उसको देख लेना। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये समझो फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो है लेक्चर 1 जो है अदिल्ला, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात भी की थी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सारा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है ना यह हमें कहां से मिला है, शरिया से। मेन असल वर्ड्स शरियत के ही चलते हैं, उनको फोकस करना जरूरी है। अगर वो बुनियादी तौर पर आपको समझ आएंगे ना तो आप आगे हर चीज को बड़ी आसानी से और दूसरों के मुकाबले में भी ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे इंशाल्लाह। अदिल्ला अरबा वहीं से उसकी स्टार्टिंग है, यानी कि देखो अदिल्ला कहते हैं ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका है दलील, ठीक है ना।
सिंगुलर क्या आता है, दलील है, और यहां पर ये प्लूरल लिखा हुआ है अदिल्ला। इसकी सिंगुलर है दलील, यानी कि कोई ठोस सबूत जिसको आप कहेंगे एविडेंस। अरबा कहते हैं चार को, यानी कि फोर सोर्सेस ऑफ शरिया, यूं समझ लें इसको, क्या है भाई, फोर सोर्सेस ऑफ शरिया, यानी कि शरियत के जो चार जराए हैं ना, दलीलें हैं, वो यहां पर समझाने लगा हूं आपको। फोर सोर्सेस ऑफ शरिया क्या होते हैं, चार वो सोर्सेस जरिए जिनसे हम पूरे इस्लामिक बैंकिंग के तमाम दलाइल को समझते हैं, यानी इस्लामिक बैंकिंग कैसे साबित हो रही है इन चारों सोर्सेस के जरिए से। इससे पहले बेसिकली आप पहले ये बात समझ लो कि हमारा पूरा इस्लाम शरीयत जो है ना, वो चार रास्तों के जरिए हमें समझ में आता है। यानी कि हमें जिंदगी में मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई भी मसला पेश आया, कोई भी मसला मुझे जिंदगी में पेश आ गया, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि भाई मैं घर से निकला, रास्ते में अब चल रहा हूं, तो मैं इस्लाम क्या कहता है मुझे कि मैं कैसे घर से निकलूं, कैसे रास्ते में चलूं, बात समझ रहे। मैं कोई चीज खरीदने गया तो इस्लाम मुझे क्या कहता है कि मैं किस तरीके से चीज को खरीदूं, कौन सी चीज को खरीदूं, किस से खरीदूं, ठीक है, वो सारा कुछ अब मुझे इस्लाम के जरिए मालूम करना है। या मैं शादी कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो भाई अब मैं शादी कैसे करूं, बहुत सारे दुनिया के अंदर तरीके मौजूद हैं शादी करने के, तो किसी भी तरीके से कर लूं, नहीं मैं तो मुसलमान हूं, तो भाई इस्लाम मुझे कैसे समझाता है कि मैं इस तरीके से तुम शादी करो। इस्लाम का तरीकेकार तो शादी का आपको पता ही होगा क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है दो तीन लफ्जों में कि ये तरीका होता है, इस्लाम ने ये कहा ऐसे शादी करो, इन शॉर्ट, हाँ निकाह करो और वलीमा करो, बस सब एग्री कर रहे हैं ना। ये तो होता नहीं है हमारे यहां इधर, लेकिन मान लो हमारे इधर तो पता नहीं क्या क्या होता है, कितनी रस्में हैं, सारा उसी के अंदर ही पैसा जाया कर देते हैं। तो हमने जो ये शरीयत का तरीका है, इस्लाम का तरीका है, जब भी आप वो काम करने लग जाएंगे ना जो इस्लाम ने आपके जिम्मे नहीं लगाया, तो आप वो काम भी भूल जाएंगे जो इस्लाम ने आपके जिम्मे लगाया था। और इसका प्रूफ, खुला एविडेंस है ना, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने ऐसी हरकतें हुई हैं। ये कराची के अंदर रात को, ये थोड़ा सा अरसा पहले की बात है, तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है, मैं रात को सो रहा था, रात के 2:30-3 बज रहे थे, मैं तो वो इशा पढ़ के 9:30 बजे सो गया था, मेरी तो आधी नींद हो जाती है उस वक्त माशाल्लाह, ये तकरीबन पूरी। तो मुझे एक कॉल आई, ये उस वक्त की बात है जब 12 बजे वाला सिस्टम नहीं था हॉल वॉल बंद होने का, वो रातों रात चल रहा होता था सिस्टम, 12-13 साल पुरानी है उससे भी ज्यादा। तो वो हॉल वाला मेरा दोस्त था, उसने मुझे कॉल करी, मैं तफाक से उठ गया, मैंने उसकी कॉल नींद में ही उठाई, तो कहने लगा कि वो मुफ्ती साहब एक निकाह पढ़ाना है अभी, तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा यार तुम बंदा भेज दो फिर मैं आता हूँ, सो रहा था मैं तो। उसने कहा ठीक है, मैं, उसने बंदा भेज दिया, घर के नीचे आ गया, मैं फिर सो गया था। उसने फिर कॉल करी, मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारी कॉल अटेंड करके फिर सो गया था, अभी मैं उठता हूँ वजू करके आता हूँ। वो कहता हाँ आज है, मैं नीचे खड़ा हुआ, मैं वजू करके गया, हॉल पहुंचा, हॉल में खचा खच लोग खाना खा रहे, पारे हो रहे थे बस, और तकरीबन 800-900 लोग थे, हॉल भी छोटा था, तो इसलिए पैर रखने की भी जगह नहीं नजर आ रही थी। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, वो आ गया फौरन हॉल वाला मेरा दोस्त, कहने लगा यार मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाए फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा, निकाह पढ़ाया तो फारिग हुआ, मैं उसके पास गया, यार क्या हो गया ऐसा, कह रहे भाई
ये बच्ची को रुखसत कर रहे थे, फिर किसी ने बोला कि यार वो एक काम तो रह गया है। तो किसी ने बोला क्या रह गया, सब तो हो गया है। बोला नहीं यार, वो जो वो पढ़ाते हैं वो क्या होता है, कह रहा वो हाँ निको तो रह गया। देखना, मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज, कैसे लोग हैं देखो दुनिया के अंदर। यानी सारी रस्में पूरी होने के बाद खाना खिला के अब बच्ची को रुखसत कर रहा है उसका वालिद, और तो वो किसी ने पता नहीं लड़के ने याद दिला दिया, तो वो कह रहे यार ये हुआ इधर। मैंने बोला देख लो, जब इंसान वो काम करता है ना जो अल्लाह ने उसके जिम्मे नहीं लगाए, फिर वो काम छोड़ देता है जो अल्लाह ने जिम्मे लगाए थे, जो जरूरी थे। तो शादी सिर्फ इन दो चीजों का नाम है, एक निकाह, दूसरा वलीमा। इसके अलावा तीसरा कोई भी काम नहीं है शादी के अंदर, जो हद तक लड़की वालों की तरफ से दावत होती है ना, ये भी हराम है। लड़की वाले जो दावत करते हैं ना कि भाई वो पूरा हॉल बुक करते हैं और सबको खाना खिलाते हैं, ये हराम है, ये इस्लाम में है ही नहीं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप गरीबों को दे दें, वो खा लेंगे। अगर आपने दावतें करनी है और ये करना है और वो करना है और मायो करनी है और मेहंदी लगवानी है, जूता छुपाना है और ढोलकियां करनी है और ये करना है, ये सारे पैसे अगर आपके पास ज्यादा आ गए तो आप गरीब बच्ची को दे, उसकी हो जाएगी इसमें इंशाल्लाह सुकून से ना शादी हो जाएगी। तो सोर्सेस ऑफ शरिया क्या है, चार है। यानी हमारे पूरे जिंदगी के अंदर जितने भी मसाइल आते हैं उनका हल, उनका सलूशन इन चार सोर्सेस के जरिए से हमें मिलता है, इन चार जरियों से हमें मिलेगा। ये ही सोर्सेस अदिल्ला अरबा कहलाते हैं। असल इनका वर्ड अरबिक के अंदर क्या है, अदिल्ला अरबा है। यानी कि तमाम वो चार रास्ते जिनके जरिए हम पूरे इस्लाम शरीयत को समझ सकते हैं। बात समझ आ रही है, ये वो फोर सोर्सेस ऑफ शरिया है, इनको अरबिक में हम क्या कहते हैं, अदिल्ला अरबा कहते हैं। हाँ ब्रेक दे देता हूं, बस ये चार यहाँ पे इसी एक स्लाइड में समझा के ना फिर ब्रेक देता हूं। मैंने खुद नहीं नाश्ता किया, कल खाना भी नहीं खाया था, अभी जाके करूंगा। अच्छा टाइम क्या हो रहा है अभी, 11, 9 से 12 की क्लास है, ठीक है ब्रेक नहीं, फिर ऐसा करते हैं 11:15 पे क्लास ऑफ कर देंगे, ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। फोर सोर्सेज ऑफ शरिया में फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया कुरान है। यानी कि हमारी जिंदगी में कोई भी मसला पेश आएगा तो हम सबसे पहली सोर्स जो प्रायोरिटी वाइज होगी वो कुरान होगी। हम सबसे पहले अपने उस शरी मसले को कुरान से देखेंगे, ठीक है। और अगर हमें सोल्यूशन मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो सेकेंड वे सोर्स ऑफ शरिया हम सुन्ना की तरफ चले जाएंगे। यानी कि हमें कुरान से उसका सलूशन नहीं मिला तो अब हम चले जाएंगे सेकेंड सुन्नत की तरफ। अब हम उस मसले का सलूशन सुन्नत से ढूंढेंगे। अगर हमें सुन्नत से उसका सलूशन इलाज मिल गया तो ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं मिला तो थर्ड सोर्स ऑफ शरिया है इजमा, हम इजमा की तरफ चले जाएंगे। अगर इजमा से हमें उसका इलाज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो लास्ट सोर्स ऑफ शरिया है कयास, फिर हम कयास की तरफ जाएंगे। यही चारों सोर्सेस हैं जिनके अरबिक के अंदर भी वर्ड्स लिखे हुए और इंग्लिश में भी उसको हमने लिख दिए। सबसे पहला हम कहां पर जाएंगे, कुरान की तरफ। सेकंड नंबर पे हम जाएंगे सुन्नत की तरफ। थर्ड नंबर इजमा और फोर्थ लास्ट हमारा होगा कयास। कयास जो है ये सबसे लास्ट में होता है जब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तब उस कंडीशन में हम कयास की तरफ चले जाते हैं। ये चारों समझ आ गए। अब इस बात की दलील कि ये चारों खुद कहां से साबित हैं, किसने हमें समझा दिया कि हम इन्हीं चारों से अपने तमाम जिंदगी के तमाम मसाइल का इलाज जो है वो ढूंढेंगे। यही सोर्सेस हैं चारों। सबसे पहला हम उसको कुरान कह रहे हैं, सेकंड हदीस, और थर्ड नंबर पे इजमा, और फोर्थ नंबर पे हम कयास अपनी मर्जी से कैसे लेकर आ रहे हैं।
तो इस बात का प्रूफ क्या है, दलील कौन सी है? तो खुद मुसलमान जब इस्लाम ले आता है, कलमा पढ़ लेता है, तो इसके पास सबसे बुनियादी चीज कौन सी है जो इसको गाइड करेगी? सबसे बुनियादी हमारी इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम मैंने कबूल कर लिया, एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, उसने बोला जी मुझे कलमा पढ़ाए, मैंने उसको कलमा पढ़ा दिया। अब मैंने उसको बोला भाई आप जो है देखो ऐसे गुसल होता है, ऐसे वजू होता है, ऐसे नमाज पढ़ते हैं, तो मैं नहीं आता कुछ भी, कोई मसला नहीं, तुम ऐसे ऐसे आ जाओ, मैं वजू करता हूं, मेरे साथ साथ देख के करते रहो, मैं जैसे नमाज पढ़ लूंगा वैसे ही पढ़ो बस। तो ये मैं उसको सिखाऊंगा सबसे स्टार्ट में, और बोलूंगा कि भाई देखो कुरान है हमारी असल किताब है, बस कुरान पढ़ो सीखो, हमारे स्कॉलर्स हैं, उलामा इकराम हैं, उनके पास जाओ, जिससे तुम्हारा दिल लगता है, तुम्हें मोहब्बत होती है, उससे समझो सीखो, कुरान हमारी बुनियादी किताब है। तो सबसे हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, सोर्स कुरान है, क्योंकि हमें हर मुसलमान को मुसलमान होते ही ये बात पता है कि उसकी असल किताब क्या है, कुरान है। तो हमें कुरान से कोई भी नहीं हटा सकता, कुरान का कोई इनकार नहीं कर सकता, कुरान का इनकार करने वाला ही काफिर है, वो फिर मुसलमान नहीं है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जब हमें कुरान पर इस कदर यकीन है तवातुर के साथ, तवातुर मींस कंटिन्यूअसली, यानी पे दर पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने जमाने आए हर किसी ने, उस जमाने वालों ने कुरान का इनकार नहीं किया किसी ने भी, इसको कहते हैं कंटिन्यूअसली अरबिक में तवातुर, तवातुर के साथ हर किसी ने उसको असल किताब माना है, और आज तक कोई इसका इनकार नहीं करता कुरान का। तो हमें खुद कुरान जो है ना ये बात समझा रहे कि व्हाई दीज फोर सोर्सेस आर प्रायोरिटी, क्यों है ये सबसे आला क्यों है, या इनकी दलील खुद की क्या है? तो ये आयत है कुरान की, कुरान के अंदर खुद अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिललाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। क्या मीनिंग्स है? बहुत सिंपल है, खुद देखें सामने ट्रांसलेशन उर्दू में भी है। क्या मतलब कि देखो ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और उलिल अम्र का हुक्म मानो जो तुम में से हो, यानी हम ही इंसानों में से, ठीक है ना। फिर अगर झगड़ पड़ो किसी चीज में तो उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ, ठीक है ना, और रसूल की तरफ, और अल्लाह पर कयामत के दिन पर इन तमाम चीजों पर यकीन रखो। थोड़ा सा जो है ना हमारी ये आगे पीछे हो गया है बहरहाल, लेकिन उर्दू सेंस में ना वहां से फिर यूं हम इसको पढ़ लें इस तरीके से, थोड़ा सा वो फॉन्ट में ऐसा हो गया, लेकिन ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्या चीज यहां पर इस आयत में अल्लाह सुभान व तआला ने समझाई है? सबसे पहले ए ईमान वालों, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह की बात किधर है हमारे पास? कुरान में। कुरान सारा का सारा क्या है? अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की बातें हैं। सेकंड नंबर पे अतीउर रसूल, तो अतीउल्लाह से किताबुल्लाह साबित हो गया, और अतीउर रसूल और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें हैं वो क्या है? सुन्नत है। क्या क्या होती है मैं अभी बता देता हूं। थर्ड और फोर्थ सोर्स जो है वो उलिल अम्र, इस वर्ड से साबित हो रही है। उलिल अम्र जो तुम में से ही समझदार भले लोग हैं उनकी बात मानो, और वो कौन है? इल्मे दीन हासिल करने वाले उलामा इकराम। इससे क्या साबित हो गया? इजमा। इजमा किस किस का हो सकता है ये भी मैं बता देता हूं। इजमा मीनिंग्स होते हैं कि जो जमाने के इल्मे दीन हासिल करने वाले, अच्छा उस पे उबूर हासिल करने वाले किसी एक मसले पर इकट्ठे हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, एग्री कर लें, उसको इजमा कहा जाता है।
और उलिल अम्र से फोर सोर्स ऑफ शरिया कयास भी साबित हो रहा है, वो ही तमाम हजरात या तो सब मुत्तफिक हो जाएंगे या मुख्तलिफ हो जाएंगे, मुत्तफिक नहीं होंगे, यानी कि तमाम एक ही चीज पर इत्तेफाक कर लेंगे, इत्तेफाक राय हो जाएगी, सब मान जाएंगे या इख्तलाफ कर लेंगे। तो अगर इत्तेफाक करेंगे तो हो जाएगा थर्ड सोर्स ऑफ शरिया इजमा, अगर इख्तलाफ करेंगे तो फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया कयास हो जाएगा। यहां तक बात समझिए, फिर समझाता हूं। देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, इससे किताबुल्लाह साबित हो गया, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह की इताअत कैसे करें, अल्लाह हमसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहे, तो अल्लाह ने अपनी बात हमें भेज दी है, वो क्या है, कुरान है, किताबुल्लाह है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया यहां से साबित हो गया अतीउल्लाह से। ये खास स्पेसिफाई होना आपके लिए जरूरी है, बाज दफा ऐसा पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक वर्ड्स को इस आयत में अंडरलाइन कर दें, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, उन स्पेसिफिक वर्ड से क्या चीज साबित हो रही है, फिर आप खुद बताएंगे, या आपको दे दिया कि किताबुल्लाह कहां से साबित है, तो आप फिर उसको इस स्पेसिफिक वर्ड के साथ पॉइंट आउट करेंगे कि भाई किताबुल्लाह यहां से साबित है, सुन्नत रसूल कहां से साबित है, तो आप इधर स्पेसिफाई करेंगे, उलामा से क्या साबित है, तो इजमा है, और कयास कहां से साबित है, तो आप कहेंगे कि मुख्तलिफ राय हो जाए तो वो उलिल अम्र से साबित है, फोर सोर्स ऑफ शरिया। समझ आई बात, तो किताबुल्लाह यानी अल्लाह का फरमान, जिसको हम नस भी कहते हैं अरबिक के अंदर, नुसूस उसका प्लूरल है, और नस कहते एक आयत को, कुरान की हर आयत क्या है, नस है, यानी कि नुसूस है, आयात है, और अतीउर रसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरमान है, उनमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले पहली चीज आती है सुन्नत के अंदर कौल रसूल, यानी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, और दूसरे नंबर पे क्या आती है, अमल रसूल, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करके दिखाया, एक्शन, और थर्ड नंबर पे क्या आती है, तकरीम रसूल, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया, कोई एक्शन किया, अच्छा किया या गलत किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खामोश रहे, इसका मतलब था वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, यानी कि वो काम किया जा सकता है, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी को मना कर दिया आप ऐसे ना करें, तो वो भी हदीसे रसूल ही है। भाई मैं आपको कोई चीज, बाप अपने बेटे को कोई बात बोलकर समझाता है, या कोई बात आंखें दिखा के समझाता है बच्चे को, या किसी बात पर खुद करके समझा के दिखाता है कि देखो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करते रहो, अब वो खुद करे जा रहा है, वही वजू कर रहा है, अब कुछ बोल नहीं रहा उसको, बच्चा उस अपने वालिद को देख रहा है उसी तरह कर रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह की है कि आपने कोई बात कहकर समझाइए तो वो भी हदीस है, कोई बात खुद अमल करके दिखाइए तो वो भी हदीस है, कोई बात सहाबी कर रहे थे गलत या सही उस पर आपने मना नहीं करा, खामोश रहे, तो वो भी हदीस है, या मना कर दिया तो वो भी हदीस है। बात समझ गए, हदीस इस तरह तीन तरह से होती है, ये समझ गए। अब आगे क्या है, उलिल अम्र, इससे मैंने आपको कहा कि इजमा और कयास साबित है। इजमा उस कंडीशन में साबित है कि जब तमाम मुस्तनद उलामा जो हलानी, यानी कि हम जैसे जाहिल लोग नहीं, मेरी तरह के जो आलिम लोग हैं, उलामा इल्मे दीन हासिल करने वाले, वो सब क्या हो गए, एक ही मसले पर उनकी राय मुत्तफिक हो गई, एग्री कर लिया सबने कि हाँ इस मसले का हल यही है, तो वो हो जाएगा इजमा। और अगर उससे इख्तलाफ हो गया सबका आपस में, तो वो हो जाएगा कयास, ठीक है। अब क्या क्या होता है, एग्जाम्पल मैं देता हूं, वो भी समझा देता हूं, मसला नहीं है। पहले यहां तक ये बात समझ में आ गई, अच्छा ये समझ गए,
तो अब इनकी एग्जाम्पल समझो ये, ताकि तुम्हें मिसाल से सही समझ आए। ये मैंने वही बात यहां पर उर्दू में भी लिख दी है जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा, फोर सोर्सेस ऑफ शरिया में सबसे पहले कुरान। कुरान की एग्जाम्पल क्या है कि भाई कुरान कहता है अकीमुस्सला, भाई हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर कलमा पढ़े हम मुसलमान बने, हमें कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कलमा पढ़ने की जरूरत तो उस बेचारे को पढ़ ली होती है जो नॉन मुस्लिम है और न्यू मुस्लिम, अब वो कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम की तरफ, उसको कलमा पढ़ के कन्वर्ट होना पड़ता है। हमें बगैर कलमा पढ़े गोद में ही इस्लाम मिल गया। आपने खास इस्लाम मुसलमान होने के लिए कलमा तो नहीं पढ़ा ना, मैं सच कह रहा हूं ना, पढ़ा है आपने कि भाई मैं अभी कलमा पढ़ रही हूं तो मैं मुसलमान हो रही हूं? मैंने भी नहीं पढ़ा, बचपन से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ, बगैर कलमा पढ़े ही, अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है, ये भी नेमत है करम है। तो खैर, जब हमने कलमा पढ़ा तो अब भाई क्या करें? तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी समझाया, कुरान भी बता रहा है कि सबसे पहली निशानी मुसलमान की यह है कि वो नमाज पढ़ता है। अगर नमाज ही नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान डिफरेंस करने वाली जो चीज है वो नमाज है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, उसके नमाज है ही नहीं, किसी भी काफिर के नहीं है। हद तक जो यहूदी है ना, इनके यहां भी जो वो हिल हिल के कर रहे होते हैं ये नमाज नहीं होती है। और हमारी नमाज सबसे सुकून वाली है, आप देखें बिल्कुल इत्मीनान वाली, ऐसी कोई इबादत नहीं है दूसरी, वो सब क्या है? पूजा पाठ है। इस्लाम में सबसे पहला हुक्म नमाज का है। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था कुरान की, मैंने आपको कहा अकीमुस्सला, कुरान क्या कह रहे हैं 700 जगह पे एक ही बात कह रहा है, वो क्या है? अकीमुस्सला। ये एग्जाम्पल है कि भाई नमाज कायम करो, और नमाज के साथ 700 जगह पे वो ये हुक्म दे रहे हैं वआतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। तो ये एग्जाम्पल है किताबुल्लाह कुरान की। फोर सोर्सेज ऑफ शरिया में से सबसे फर्स्ट सोर्स कुरान किताबुल्लाह की। कुरान कह रहे हैं अकीमुस्सला। कुरान के बारे में लोग कहते हैं कि भाई कुरान में सब कुछ क्यों नहीं है या सब कुछ है? तो सीधी बात यह कि भाई कुरान एक ऐसी किताब है जो कुल्लियात का नाम है, जुज़ियात का नाम नहीं है। यानी कि कुरान कोई तफसील की तरफ नहीं जाता कि आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा, पूरी डिटेल्स बताएगा। कुरान बस इन वन वर्ड में स्पेसिफाई करता है कि ये काम करो ये काम नहीं करो, बस इससे करने की तरफ जाओ इससे बचने की तरफ जाओ, बस उसको आगे जो डिफाइन करती है ना वो हदीस होती है, उसको डिस्क्रिप्शन लगाती है वो हदीस करती है वो काम। लेकिन कुरान सिर्फ खास हुक्म करता है करने या ना करने का, कुरान का इतना काम है। तो कुरान ने सिर्फ हमें हुक्म दिया कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, पढ़ो भी नहीं कहा बल्कि कहा कायम करो, यानी कि नमाज की भी तशहीर करो, नमाज की एडवर्टाइज तुम करो खुद, नमाज पे तुम खुद दूसरों को खड़ा करो। तो या अल्लाह मैं खुद नमाज नहीं पढ़ूं क्या? क्योंकि अल्लाह तो खुद कुरान में कह रहे हैं कि भाई तुम तो नमाज कायम करो, यानी कि कायम करने का मतलब ये कि बुनियाद से किसी इमारत को तुम खुद बनाओ। तो अल्लाह हमें सबको ये मिशन दे रहे हैं कि भाई तुमने सबको नमाज के ऊपर डालना है। तो इसका तो खुद खुला मतलब यही हुआ कि मैंने खुद भी तो पढ़नी है। जब अल्लाह तुम्हें दूसरों को एक काम कराने के लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं तो तुम खुद नहीं करोगे वो काम? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक इकरा यूनिवर्सिटी वाले भी आपको अगर कहीं भेज दें भाई ये काम है फलाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां जाके आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है ना करवाना है, यानी कि आप उनसे करवाएंगे, आप खुद उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका साफ मतलब ये कि भाई आपने खुद जाके करवाना है उनके साथ, आप भी करेंगे, आपको बोलते नहीं है कि तुम भी करोगे, लेकिन खुला ओपन
हिडन छुपा हुआ, यही मतलब होता है कि आप भी उनके साथ मिलके करेंगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उधर चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, चलो भाई करते रहो। आप खुद मिलके उनके साथ खड़े होकर वो काम प्रोजेक्ट करवाएंगे कंप्लीट। यही अल्लाह ने हमें दिया प्रोजेक्ट के भाई सबको नमाज के ऊपर डालना, तुम सब लड़के लड़की इकरा यूनिवर्सिटी वालों की जिम्मेदारी है, खुद भी पढ़ना। तो अल्लाह डबल बात कर रहे हैं आगे की, सिर्फ हमें नहीं कह रहे कि तुम पढ़ना, ये तो छोटी बात होती कि सिर्फ तुम पढ़ो, बड़ी बात की है अल्लाह ने कि भाई तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुमने सबसे पढ़वानी है नमाज, सबको खड़ा करना है, घर वालों को, बहन भाइयों को, तुम्हारे जितने भी इर्द गिर्द तुम्हारे उसमें है ना हल्के में लोग, लड़के हैं लड़कियां जो भी, सबसे तुमने नमाज पढ़वानी है और खुद भी पढ़नी है चुप करके। समझ गए बात। तो कुरान ने ये हुक्म दिया अकीमुस्सला, इस पे कोई इनकार नहीं करता, नमाज पढ़ने से किसी मुसलमान का इनकार नहीं है, जकात देने से किसी का इनकार नहीं है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि एक ने भी जकात का इनकार किया उसके खिलाफ मैं खुद जिहाद करूंगा, उसको मैं खुद कत्ल करूंगा, और किया भी इनकार तो खुद निकले कत्ल करने, जिहाद करने। कुरान की ये एग्जाम्पल हो गई। अब ये अल्लाह ठीक है नमाज दूसरों से भी पढ़वानी है, मैंने खुद भी पढ़नी है, कैसे पढ़ो, मुझे तो पैटर्न ऑफ सलाह ही नहीं पता, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म आया तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं थी नमाज कैसे पढ़नी है। अब ये कैसे सिखाया अल्लाह ने, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूल अल्लाह खड़े हो जाए, आ जाए मेरे साथ, मुसल्ले बिछाए खड़े हो गए, चले भाई अल्लाहु अकबर, जिब्राइल ने ऐसे ही करा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ ऐसे ही किया, अल्लाहु अकबर सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका, आप जिब्राइल पढ़ते गए साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए, इस तरह उन्होंने पढ़ के सिखा के आपको दिखाया कि ऐसे नमाज पढ़नी है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सिखाया, सहाबा को सिखाया, देखो ऐसे नमाज पढ़नी है। तो ये पूरा पैटर्न हदीसों के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज कैसे पढ़ना सिखाई, जैसे हम आज पढ़ लें ना, बिल्कुल यही सिखाई सारा। तो ये हमें पूरी डिस्क्रिप्शन कहां से मिली, फिर सेकंड वे ऑफ सोर्स ऑफ शरिया से, जो क्या है, सुन्नत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के दिखा दी, हदीस से पता चल गई हमें। अब थर्ड हमारे पास है इजमा। अब इजमा की एग्जाम्पल समझो, ये दो एग्जाम्पल समझ गए, कुरान से साबित हो गया नमाज कायम करनी है, हदीस से पता चल गया कैसे पढ़नी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इजमा। अब देखो समझो, नमाज के अंदर ना हर रकात में दो सजदे करना फर्ज है। बस मैं ये दो एग्जाम्पल रह गई, ये कंप्लीट करके फिर ऑफ कर रहा हूं। हर रकात में दो सजदे करना क्या है, फर्ज है, फर्ज। एक रुकू करना, दो सजदे करना फर्ज है। नमाज के 13 फराइज हैं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए, चूंकि मैंने एग्जांपल देनी है तो सिर्फ इन एक फर्ज की बात कर रहा हूं कि एक रकात के अंदर दो सजदे करना क्या है, फर्ज है। अगर आप एक सजदा करेंगे एक नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा रिपीट करनी है, इस नमाज को खत्म कर दें दोबारा पढ़ें। एक रकात में दो सजदे करना फर्ज है, और हर एक सजदे के अंदर आपकी ये कुल हड्डियां जमीन से टकराना दबाना ये अलग फर्ज है। एक पेशानी की हड्डी, एक नाक की हड्डी, दो दो, ये चार, दो ये घुटनों की छह, दो वो पिंडलियों की आठ। ये आठ हड्डियों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में ठोस जमीन पे आपका जमाना क्या है, फर्ज है। ये बात समझ में आ रही है, बात समझ गया था। इन हड्डियों का टकराना फर्ज है ठोस जमीन के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा मैं अभी ये थर्ड आपको एग्जांपल दे रहा था ना, थर्ड एग्जांपल तो आसान है वो समझ लें पहले, फिर ये मैं फोर्थ पे चला गया। हमने बात किया किताबुल्लाह से नमाज कायम करना साबित है, किस तरह पढ़नी है सुन्नत रसूल से साबित है। थर्ड नंबर पर इजमा है कि तमाम जमाने के तमाम उलमा इकराम सबका इस बात पे इजमा है कि नमाज फर्ज है, सब इस पर जमा है, कोई भी नमाज से इनकार नहीं करता, ये इजमा है। थर्ड एग्जाम्पल जो है ना हमारी इजमा की, वो ये है कि सब
मुस्तनद उलमा दीनदार तबके का इस पर इजमा है कि नमाज हम सब ने पढ़नी है। इसकी एक, चलो नमाज से हटकर एक दो तीन एग्जांपल और समझ लो, वो ये भी है कि 20 रकात तरावी पढ़ना। इस पर तमाम सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, तमाम सहाबा को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इकट्ठा किया और जमा करके इस पर इजमा कर दिया कि भाई रमजान के अंदर 20 रकात तरावी ही पढ़ी जाएगी, बस कोई 8 नहीं पड़ेगा, कोई 12 नहीं, कोई 36 रकात नहीं पड़ेगा, कोई 40 नहीं पड़ेगा, ना ज्यादा ना कम। इस पर क्या कर दिया उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, इजमा कर दिया कि 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। इस पर इजमा हो गया, तमाम उस वक्त के सहाबा इलिम वाले सब उस पर इकट्ठे हो गए और इजमा कर लिया। इसी तरह एक मजलिस में 3 तलाक दे देगा अगर कोई, तो इस पर भी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजमा कर दिया कि भाई एक सांस में दे दे, एक सेंटेंस एक जुमले में दे दे, अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस में 3 तलाक दे दे अलग अलग अल्फाजों के साथ, या एक ही मजलिस में सेम प्लेस पे दे दे या डिफरेंट प्लेसेस पे दे दे, ठीक है ना, तो वो 3 तलाक वाकई हो जाएंगी। इस पर क्या किया उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, इजमा कर दिया, यानी सारे सहाबा इकट्ठे हो गए और उस पर फाइनल कर दिया, फैसला कर दिया भाई इस पर आज से इजमा है कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी एक ही मजलिस में तो वो तीनों वाकई हो जाएंगी, यानी कि वो उससे बिल्कुल जुदा हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी, अब वो अपनी इद्दत पूरी करे, दूसरी जगह शादी कर ले। इस पर क्या हो गया था सहाबा का, इजमा हो गया था। तो अब जिन मसाइल पर इजमा हो चुका है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये थर्ड इजमा की एग्जाम्पल हो गई। फोर्थ कयास की मैं एग्जाम्पल दे रहा था, गलती से डायरेक्ट फोर्थ पर चला गया था। तो मैंने कहा नमाज में 2 सजदे करना फर्ज है, हर एक सजदे के अंदर आपकी ये 8 हड्डियों का ठोस जमीन के ऊपर टकराना ये अलग फर्ज है। अगर कोई सजदे की हालत में अपनी सिर्फ नाक रखे और पेशानी उठाए रखे तो सजदा नहीं होगा, सिर्फ पेशानी लगाए रखे नाक उठा ले सजदा नहीं होगा, दोनों पैरों में से एक भी पैर उठा के रखे सजदा नहीं होगा, जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, बात समझ आ गई। अब मसला ये पेश आया कि भाई ये तो ठोस तो जमीन होती है ना, मजबूत, ये तो क्या है सॉलिड जमीन है, लेकिन अगर एक बंदा जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा है और ट्रेन में नमाज पढ़ना चाह रहा है, या जहाज में सफर कर रहा है जहाज में नमाज पढ़ना चाह रहा है, तो वो क्या करे फिर, क्योंकि वहां तो जमीन नहीं है। आप कह रहे हैं कि जमीन के ऊपर सजदा करना जरूरी है, बात समझ रहे हैं, तो हमारे ही उसूल और कानून के मुताबिक वो जहाज में नमाज नहीं पढ़ सकता, ट्रेन में नमाज नहीं पढ़ सकता, बस के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता, बात समझ रहे हैं। तो अब हमने उसका सलूशन किससे दिया, कयास से। वो क्या कयास, यही होता है जो मैंने आपको बताया कि एक मसले के अंदर जब इख्तलाफ हो जाए, तमाम इकट्ठे ना हो, एक उस पर इत्तफाक राय ना करें, या दूसरी कंडीशन ये कि उस जैसा एक और मसला ऐसा ही पेश आया था, हमने उस पर कोई हुक्म लगाया तो उसी जैसा एक और नया मसला पेश आ गया, तो हमने उसी सेम सॉल्यूशन को इसके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दिया, उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पर भी कि यार वो जो मसला था ना वो भी इसी टाइप का था, तो ये मसला भी उसी टाइप का है, तो उस पर हमने वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया था, तो इस पर भी हम वही सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो इसको भी कयास कहा जाता है। कयास करते हुए हमने क्या कहा कि देखो जो ये लैंड होती है, जमीन है, इसी के अंदर से आयरन भी निकलता है, लोहा, लोहा भी कौन सी धातु है, जमीनी धातु है, जमीन से ही निकलता है लोहा भी, तांबा भी, पीतल भी, ये सब कहां से निकलता है, जमीन से, तो ये जमीन के पार्टिकल्स हैं, जमीन का ही क्या है, हिस्सा है ना, तो जमीन से जब ये हिस्से निकलते हैं और जमीन का ही ये हिस्सा है, तो जब उसी हिस्से का यानी आयरन का ही वो जहाज भी बना हुआ है लोहे का, ठीक है, तो जिस तरह जमीन के ऊपर हमने हुक्म लगाया था कि ये ठोस है और इसके ऊपर सजदा सही होता है, तो यही वाला हुक्म हम उस लोहे के ऊपर भी लगाएंगे, और उसका एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है, वो क्या है कि वो जमीन का ही एक पार्टिकल
पार्टिकल है, हिस्सा है, इसी का एक जिन्स है, तो इस वजह से ये वाला हुक्म हम उस पर भी लगा सकते हैं। जिस तरह जमीन के ऊपर वो सॉलिड है और सजदा करना इन आठ हड्डियों के साथ दुरुस्त होता है, इसी तरह वही हुक्म हम जहाज के ऊपर भी लगा रहे हैं। और वो पॉइंट की बात क्या है कि लोहा आयरन भी जमीन से ही निकलता है, इस वजह से हम ये हुक्म वहां भी लगा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? इसी तरह कोई अगर मोल्टीफॉर्म मोटे गद्दे के ऊपर सजदा कर रहा है तो उसके ऊपर भी उलमा फुकहा ये कहते हैं कि आप अपने सजदे को ताकत के साथ पूरा दबा के करें तो आपका सजदा सही होगा। अगर आपने मिसाल के तौर पर नरम किसी चीज के ऊपर सजदा किया और आपने उसको दबाया नहीं, प्रेस नहीं किया, तो आपका सजदा नहीं होगा और नमाज नहीं होगी फिर। इसीलिए उसको इस कदर प्रेस करना है जैसे मैं इसको दबा रहा हूं, जिधर तक मैं दबा सकता हूं पूरी ताकत के साथ, फिर मैंने इस मोटी गद्दे वाली या नरम मुलायम चीज के ऊपर भी सजदा किया और मैंने उसको पूरी ताकत से दबाया सारा, इधर से भी, इस हड्डियों से भी, पैरों से भी, तो वो सजदा सही है, वरना वो सजदा नहीं होगा। ये मसला समझ में आया तुम लोगों को? तो इतनी डीप में ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा जो है ना उलामा इकराम पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं और बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, फिर जाके वो शरीयत के मसाइल को निकालते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट कर दूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जा सकते हैं। अटेंडेंस शीट मुझे बस दे देना। हाँ वो तो उजर है ना, उजर की सूरत में तो शरीयत बहुत सारी चीजों की इजाजत दे देती है, जो मर्ज हो जाता है ना किसी का, तो उजर की वजह से तो उनका सजदा करने की उनको जरूरत ही नहीं है। अगर वो कुर्सी पर नमाज पढ़ लें तो उनको कोई ऐसी चीज अगर कुर्सी के आगे लगी हुई भी है या वो खुद से भी रख रहे हैं कि मैं उस पर सजदा कर लूँ तो वो गलत है। तब उनके लिए शरी मसला यही होता है कि वो हवा में सजदा करें, जितना झुक सकते हैं रुकू की हालत के मुकाबले में ज्यादा उतना झुक के वो सजदा करें, उनकी नमाज वैसे ठीक होती है। ये जो लास्ट में लड़का आया था उसने लिखा अपना नाम? लिख दिया है, मुंतजिर। हाँ तो किबला रुख होकर पढ़ें। हाँ किबला रुख होकर पढ़ें। और अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही ना, जैसे यानी कि नमाज की हालत में जैसे हम खड़े होते हैं उस तरह से जगह नहीं मिल रही हो सवारी के अंदर, तो आप सीट पर बैठे बैठे अगर नमाज कजा हो रही है तो मजबूरी में सीट पर बैठे बैठे ही किबला रुख की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ लें, लेकिन फिर जब आप किसी जगह उतर जाएं तो उस नमाज को दोहराएं। ये शरीयत का मसला है। हाँ फिर दो दफा रिपीट होगी, ये शरीयत का मसला है उस कंडीशन में जब आपकी नमाज कजा हो रही होती है। हाँ सॉरी, हाँ वो तो मैं इंशाल्लाह जब हमारा मिड करीब होगा ना, पेपर तो हाँ इंग्लिश में ही है, रोमन उर्दू या उसमें भी नहीं लिख सकते, इनकी तरफ से इजाजत नहीं है। प्रीवियस सेमेस्टर में भी ये चीज आई थी तो फिर हमने समझाया था। नहीं नहीं अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, आगे चीजें आएंगी काफी सारी ना। आपका सारा जो यहाँ पर मटेरियल है वो इंग्लिश के अंदर ही है, हाँ उर्दू में नहीं है। ये तो शुरू की अंदर थोड़ी बहुत उर्दू है वो समझने समझाने के लिए। सर हाँ डिटेल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, यानी कि आप ये पूछना चाहिए ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज भी होंगे। हाँ मैंने पढ़ाई भी है अरबी, कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा,
अगर दें तो मैं तो पर्शियन में भी है, मेरा मास्टर्स है माशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर।